हाँ स्टूडेंट्स, आपको मैं थोड़ा सा खुद का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ. ओके, आई एम नवनाथ निर्मले. ओके, मैं दिल्ली में था ऑलमोस्ट 6 साल से, एंड आई एम टीचिंग सिंस 4 इयर्स. मैं 4 साल से बच्चों को गाइड कर रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया. आई एम टेकिंग द ऑनलाइन क्लासेस एज वेल. ओके, तो आपके साथ, मतलब जो हमारा आप IAS है, उनके साथ मैं जुड़ चुका हूँ. PUG के साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ. ठीक है, 4 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है मेरा. तो आप जो सर का सेशन होने के बाद, इफ इफ एनी वन ऑफ यू डोंट गेट चांस टू आस्क द क्वेश्चन, तो आप सर को तो मतलब पूछ लो एट द एंड ऑफ द सेशन. बट उसके बाद में इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी एज वेल. PUG इज देयर, आई एम देयर, सर इज देयर. सो बट इन बिटवीन आप किसी को भी जल्दबाजी नहीं करना है कि आपके क्वेश्चन रहेंगे, क्वेरीज रहेंगे, एनी टाइप ऑफ क्वेरी इज और विल बी सॉल्व. ओके, तो ऐसा नहीं करना कि बीच में सवाल पूछ लिया. दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल इफ यू यू सपोर्ट अस. ठीक है, आई थिंक. हाँ, और एक चीज की यहाँ पे सी, देखो अपना जो देश है, देश अभी मतलब विकसित है, मतलब डेवलप हो रहा है. सो सी द टेक्नोलॉजी एज वेल. 5G हमारे यहाँ पे उतना अच्छा नहीं चलेगा, तो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स विल बी देयर. किसी को साउंड आएगा, किसी को साउंड नहीं आएगा. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. ठीक है, उतना ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है. सिंपली सिंपली वेट फॉर सम टाइम. यू कैन कॉल PUG. ओके, ही विल बी एबल टू सॉल्व योर इश्यूज. फाइन, तो आई थिंक विद इन अ मिनट प्रोग्राम इज गोइंग टू स्टार्ट. फाइन, और सभी लोग थोड़ा सा अपने, जिन जिन लोगों ने वीडियो स्टार्ट किए है, थोड़ा सा अपने फोन सही से रखें, बिकॉज क्या हो जाएगा उससे कि योगेश जी आ चुके हैं. आगे सर, योगेश जी आ चुके हैं. बेसिक योगेश जी आ चुके हैं. सो गाइस, मैं योगेश जी का एक बार फिर से आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दूं. तो योगेश जी, आपका पहले तो धन्यवाद बहुत बहुत कि आपने टीम आप IAS को इतना समय दिया, और ये बच्चों का जो आप मार्गदर्शन करने के लिए आज हमारे बीच में आए हुए हैं, ये क्योंकि आपने ये बोला था कि कभी हम भी उसी दौर से गुजरे हैं. तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि आपने उस चीज को, उस दर्द को आपने समझा और उस चीज को लेके आप आगे आए. आपके लिए मैं कुछ चंद लाइनें कहना चाहूंगा. यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है. पूछा चिड़िया से जब कैसे बना घोंसला, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है. तो आज योगेश जी हमारे बीच में हैं, तो इसके पीछे उनका एक बहुत बड़ा संघर्ष छुपा हुआ है, एक बहुत बड़ा जो है संघर्ष के कारण आज वो हमारे बीच में है. तो योगेश जी की अगर मैं संघर्ष की बात करूं, तो वो शुरू होता है जब उनकी स्कूलिंग शुरू होती है. उसके बाद वो 2011 से 15 तक बीटेक करते हैं. उससे पहले 2010 से 11 उनकी सीनियर सेकेंडरी की स्कूलिंग पूरी होती है, और मैट्रिक की जो स्कूलिंग होती है वो 2008 से 9 तक उनकी पूरी होती है. और योगेश जी की जो सिविल सर्विस एग्जाम की जर्नी है वो शुरू होती है 2016 में, जब वो अपना मेंस लिखते हैं. उसके बाद 2018 में जब उनका मेंस दोबारा लिखना होता है, मगर इन दो एग्जाम्स में कुछ कमियों के कारण नहीं होता है. तो आज 2019 में योगेश जी हमारे बीच में IFOS ऑफिसर के रूप में हम लोगों के बीच में आज हमारे सेशन लेने के लिए आए हुए हैं. इसके अलावा और एग्जाम्स की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट अदर एग्जाम्स एज वेल, सो ही हैज क्वालिफाइड HAS इन 2018, ही हैज रिटन मेंस इन 2017, द मेंस रिजल्ट ऑफ RAS इज स्टिल पेंडिंग. सो आफ्टर इट IBACIO एग्जाम 2017, ही हैज अपीयर्ड इन द इंटरव्यू. After it, UPPCS 2019, the mains exam he has written. And after it, SSC-CGL 2019, the mains exam again he has written. इसके अलावा योगेश जी की अगर कुछ वैसे बात कर ली जाए, तो NCC के ये AB सर्टिफिकेट होल्डर हैं, MacNext और SAF के भी ये मेंबर हैं, और 6th रैंक इनकी रही थी साइबर ओलंपियाड से. तो मतलब साइबर सेल के, साइबर चीजों के योगेश जी एक चैंपियन माने जा सकते हैं. तो guys, we think that almost 51 of 52 students has joined, and other will also join. I'll be seeing, मैं देखूंगा कि जो बाकी लोग हैं उनको मैं समय समय पे जो है एक्सेस देते रहूं. तो योगेश जी, आई थिंक यू शुड स्टार्ट द सेशन. अगेन वेरी वेरी थैंकफुल टू यू दैट आपने हमें समय दिया वो करने के लिए, और मैं आपको अब होस्ट बना रहा हूँ. तो प्लीज अलाउ मी टू रिकॉर्ड द सेशन एज वेल. ओके, हाय, इट्स ऑडिबल टू एवरीवन. सभी लोग बता दें. Am I audible to everyone? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Good now. Yogi ji, allow me to record the session. Yeah, yeah, I am allowed. Okay, okay. You can continue. Yeah. Okay. First of all, I would like to thanks the RPIS team to providing me such an opportunity so that I can come to close to all the aspirant who are preparing for UPSC and other state PSC service examination. Today I'm here for clearing the doubts. Many people, many aspirants have various doubts. So I have to start with general thing, or you can ask me the question. I can clarify them.
जी योगी जी, जो सेशन रहेगा वो बायलिंगुअल रखिए, क्योंकि बच्चे जो हैं आधे हिंदी के आधे इंग्लिश है, मतलब मिक्स रहे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि दे ऑल आर फ्रॉम ओके जी। तो बच्चों को किसी के कोई डाउट हो तो वो अपने आपको पहले अनम्यूट करेगा, फिर वो जो है जैसे ही क्वेश्चन पूरा होता है तो वो अपने डाउट्स जो है वो पूछेगा और फिर दोबारा अनम्यूट करेगा। तो या नवलनाथ जी ये करे कि जो है आप अलाउ करें, फिर उसके बाद जो है बच्चे डाउट्स पूछे, किस तरीके से करना है ये थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें। हाँ सही क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने का जो ऑनलाइन तरीका होता है, आपको पता होगा ये ऐप में एक ऑप्शन आता है जहाँ पे आप अपना हैंड रेज कर सकते हो, यू कैन रेज योर हैंड, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है वहीं पे। सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज रेज योर हैंड, देन अगर आपने हैंड रेज किया तो आई विल टेक योर नेम फ्रॉम माई साइड और सर विल टेक योर नेम। ओके सो आपका नाम लेने के बाद यू हैव टू अनम्यूट योर सेल्फ, खुद को अनम्यूट कीजिए, माइक अपना चालू कीजिए, उसके बाद में आस्क द क्वेश्चन, और क्वेश्चन पूछने के ठीक बाद आपको आपका माइक और म्यूट करना है। ओके देन सर विल आंसर द क्वेश्चन, सो दिस विल बी द प्रोसीजर इन विच यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन। इससे फायदे क्या है कि कोई भी वहां पे अननेसेसरी डिस्टर्बेंस विल नॉट बी क्रिएटेड, और जो बाकी के बच्चे हैं आपका साउंड वहां पे नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपका जो साउंड होता है वो सभी के पास जाता है, सो अननेसेसरी साउंड शुड नॉट बी क्रिएटेड। ठीक है, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट सर, प्लीज यू कैन गो अहेड। या फर्स्ट ऑफ ऑल निशा निशा उल इस्लाम, आपका क्या डाउट है? गुड इवनिंग सर, माय डाउट इज कि व्हाट इज द बेस्ट, मतलब देयर आर ऑफन व्हेन यू आर वी आर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन वी हैविंग अ क्वेश्चन आइदर टू गो सिविल सर्विस और सम आर थिंकिंग इट इज बेटर फॉर अस टू गो आफ्टर मास्टर्स, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। मी व्हाई आफ्टर मास्टर, मी मास्टर के बाद में क्यों पढ़ना, तो सेम है सबको। जब आप मास्टर्स होगी आप वहाँ जो आईएएस का जो इंटरव्यू होता है उस वक्त आपकी मतलब जो है मेंटालिटी, जब हमका इंटरव्यू किया जाता है मतलब आपकी मेंटालिटी चेक की जाती है। या मेंटालिटी, योर बिहेवियर, ये सब चेक होता है, लेकिन वाई आपका मास्टर में आपको ऐसे लगता है कि बैचलर डिग्री करने के बाद में आपका कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होगा? मीन्स लाइक आई एम तो ऐसा नहीं है कि मेरा पर्सनैलिटी लो हो गया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं है, आई डोंट नो हाउ टू टॉक विद अदर्स, आई डोंट नो हाउ टू गिव द आंसर, ऐसा कुछ नहीं होता। या मास्टर के बाद में आपको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यू कैन गिव एग्जाम ओनली आफ्टर मास्टर। जब भी आपको अच्छा लगे कि यू कैन डिवोट यूर फुल टाइम, तो आप मास्टर के लिए शुरू हो जाए, मीन से यूपीएससी की तैयारी के लिए शुरू हो जाए, डोंट गो फॉर मास्टर अगर यूपीएससी का एग्जाम देना है तो। आप बैचलर डिग्री में दे लीजिए या आफ्टर बैचलर डिग्री और आफ्टर मास्टर डिग्री, ये आपको देना ही पड़ेगा। यू हैव डिवोट योर टाइम टू ओनली टू यूपीएससी, और ये जो 2-3 साल का गैप है ये हर कोई देता है। तो अगर आपको लगता है कि आप अभी बहुत एज है या बहुत उम्र है आपके आराम से देंगे, तो यू कैन गो फॉर मास्टर, वरना स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। यस यस या एनी अदर डाउट? थैंक यू सर, थैंक यू। योगेश सर, आई वुड लाइक टू इंटरप्ट यू सर, हमने जो हाँ क्वेश्चन सेशन जो रखा है और क्वेश्चन जो रहेंगे बच्चों को वो एट द एंड ऑफ द सेशन हम करेंगे। अभी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम एंड हम एंड में उनको आंसर करेंगे। बीच में कोई भी स्टूडेंट अगर सवाल भी पूछता है, इफ दे रेज हिज हैंड, हमें वेट करके लास्ट में उसको आंसर करना है। एंड स्टूडेंट्स प्लीज राइट नाउ अभी कोई क्वेश्चन मत पूछिए, क्योंकि सेशन होना बहुत जरूरी है। ओके एंड क्वेश्चन बाद में ले जाएंगे आपके। ओके सर प्लीज, आई रिक्वेस्ट टू प्लीज गो अहेड। यस सर, यस सर, इट इज ओके। जी ओके जी, कंटिन्यू कीजिए। ओके आई विल स्टार्ट विद द जनरल थिंग्स। मीन कई बच्चों के डाउट में होते हैं कि यूपीएससी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कितनी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी क्लास की एनसीईआरटी बेस्ट रहेगा या फिर क्या। पहले तो ये बुक्स का सिलेबस का ही जो पंगा रहता है ना, वही क्लियर कर देते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी 6th to 10th में, ये एक बेस प्रोवाइड करवाने के लिए, जस्ट लाइक एन फाउंडेशन। जब आप 6th to 10th का एनसीईआरटी एक बार कम्प्लीट कर लेते हो, देन यू कैन लीव देम, फिर उसका आगे कोई मतलब नहीं रह जाता, बिकॉज आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। देन आफ्टर स्टडिंग एनसीईआरटी फ्रॉम 6th to 10th, गो फॉर द स्टैंडर्ड बुक। स्टैंडर्ड बुक लाइक पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत,
देन इकोनॉमी के लिए श्री राम आईएएस का एक बुक आता है, दैट इज गुड. देन हिस्ट्री, हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, मॉडर्न, एंशिएंट एंड मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर. एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए तीन बुक हम मेनली रिफर करते हैं, एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11th एंड 12th, दैट इज ओल्ड एनसीईआरटी. आइदर यू कैन रिफर इग्नू नोट, इग्नू और तमिलनाडु बुक. इन तीनों में मीन्स कोई भी एक कंप्लीट बुक पढ़ो ना तो बहुत अच्छा रहता है. देन एक लूसेंट की बुक आती है जनरल नॉलेज की, फर्स्ट 80 पेज ऑफ लूसेंट, उसमें आपका जो एंशियंट एंड मिडिवल है जो फैक्चुअल पोर्शन होते हैं वे कवरअप हो जाते हैं. देन फॉर मॉडर्न स्पेक्ट्रम इज द गुड सोर्स के लिए. योगी जी जो बोल रहे हैं उनको म्यूट कर दीजिए, आपके पास पूरी कंट्रोल है, पूरी पावर है आपके पास. ओके या आर्ट एंड कल्चर के लिए आप ना नितिन सिंघानिया रेफर कर सकते हैं. पहले क्या नितिन सिंघानिया का एक क्लास नोट्स टाइप का आता था, हैंड रिटन नोट्स, वे अच्छा सोर्स था. लेकिन उसने अब बुक भी निकाला है नितिन सिंघानिया ने, तो वे थोड़ा मोटा जरूर दिखाई देता है. लेकिन आप जब पढ़ना शुरू करोगे ना, यू कैन कंप्लीट दैट बुक इन 2 or 3 days, क्योंकि उसका पेज का जो विद्या है मोटा है, इसलिए वे हमें बहुत मोटी दिखाई देती है. देन आप कौन सा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में डाउट आता है मेनली मेन बुक है क्लास 11th एंड 12th का एनसीईआरटी जो न्यू वन है, वे अच्छा सोर्स है. देन वी कैन गो फॉर जीसी ल्योंग, उसका जो फर्स्ट 12 चैप्टर है दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी, वे अच्छा है. देन फॉर वेदर, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट के लिए मनोचा सर के 2 पेज के नोट्स है, उससे ना बहुत कुछ कवरअप हो जाता है. तो 2 पेज में देन वाई वी गो फॉर स्टडी 90 to 100 पेज, तो सही है. और जो भी नोट्स है वे मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ. धन्यवाद जी. फिर सर आयो बाजवा करी, सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे करंट यूपीएससी के एग्जाम में करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. आई विल कम देयर, एक मिनट रुके, लाइन बाय लाइन करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर दीजिए, सबको म्यूट कर दीजिए तब तक. पहले आप कंटिन्यू कर लीजिए, उसके बाद जब भी डाउट हो पहले आप अपना कंटिन्यू कर लीजिए, उसके बाद जो है चीजों को शुरू कीजिएगा, कि मतलब जिसके भी डाउट हो एट द एंड ऑफ सेशन आप ले सकते हैं. अभी सबको म्यूट कर दीजिए जब तक आप बोल रहे हैं. म्यूट ऑन कर दीजिए. या डन. हां कहां पर था, आई फॉरगॉट, ज्योग्राफी या ज्योग्राफी या मनोचा सर के. एंड एक मैप के लिए भी लोग पूछते हैं कि एटलस हम लोगों से पढ़ा नहीं जाता, मीन ऑक्सफोर्ड अच्छी है या ओरियन स्वर्ण, मीन कौन सा है. ऑक्सफोर्ड अच्छा है नो डाउट, या फिर बलक स्वर्ण. बट एक बुक करके आता है प्रेम जैन, एक मैप का बुक है प्रेम, वेट आई एम टेलिंग यू, सही बता रहे हैं, दैट इज कहाँ गया, प्रेम पटेल, प्रेम पटेल करके बुक है मैप का. तो उसमें क्या दिया हुआ है कि टॉपिक बाय टॉपिक दिया हुआ है, जैसे पहले लिस्ट दिया हुआ है हिल्स का, देन माउंटेन, देन रिवर, देन मेटल्स, कितने टाइप के मिनरल्स है. तो उससे हम लोगों को ना इजी हो जाता है याद करना, मैं एक साथ आप 200 to 300 एंट्री याद कर रहे हो और एक बार में आप 10 रिवाइज कर रहे हो, तो इट्स बेटर गो फॉर द 10 रिवाइज, जल्दी हो गया याद भी हम. योगी जी एक देखिएगा कि मतलब बीच में बच्चे ज्वाइन हो रहे होंगे, उनको एडमिट भी करते रहिएगा. कंप्लीटेड, 7 लोग वेटिंग रूम में भी आए हैं. ओके मैं देख नहीं रहा था कैसे क्या है ना, जब आप यू कंटिन्यू मैं देख लूंगा. ओके हाँ मैं मैप का बता रहा था ना, वे मतलब 8-9 एंट्री याद करना बहुत ईजी हो जाता है. फिर एनवायरनमेंट, शंकर आईएएस अच्छा सोर्स है एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन उसमें क्या किया हुआ है कि जो लास्ट के चैप्टर है ना यूनिट है उसमें बहुत ज्यादा डिटेल दिया हुआ है अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग, फिर लो उनके बारे में. तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट है ना उसको हाईलाइट करके बाकी कट ऑफ कर दो, तो उससे क्या हो गया कि आपका ना इट विल रिड्यूस टू अराउंड 50 to 60%, तो वे रिवाइज करना बहुत ईजी हो जाता है. एनवायरमेंट, देन वी विल गो फॉर करंट अफेयर. करंट अफेयर का बहुत लोगों का डाउट है कि पूरा सागर है तो क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, फॉर करंट अफेयर न्यूज़पेपर मस्ट है. मैं आप स्टार्टिंग में फॉर 1-2 ईयर आप स्किप नहीं कर सकते, लेकिन जब आप 5-6 साल ट्राई कर रहे हो तो उस टाइम पर ऐसे होता है कि सब न्यूज आपको देखी हुई लगती है, तो यू कैन स्किप देयर. लेकिन जो स्टार्टिंग के 1-2 ईयर है आपको स्किप बिल्कुल ही नहीं करना है. हिंदू, द हिंदू बेस्ट है, लेकिन कई लोगों का इशू आता है कि इसमें जो लैंग्वेज है वे बहुत हार्ड होता है, तो फॉर दो स्टूडेंट दे कैन गो फॉर इंडियन एक्सप्रेस. देन न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है, स्टार्ट विद द एडिटोरियल, जो एडिटोरियल पेज आते हैं उसमें भी एडिटोरियल पेज में भी है ना एक मेन एडिटोरियल होता है, सबसे पहले वे पढ़ना जरूरी है. वहां से हम लोग है ना डिजिटली नोट्स बना सकते हैं, ताकि बाद में हम लोगों को एडिट करना पड़ेगा तो हम इजीली एडिट कर देंगे. लाइक अगर हम A4 साइज के पेज पर नोट्स बनाएंगे उस न्यूज़पेपर से, तो क्या इशू आता है कि बाद में एडिटिंग नहीं हो पाता, वे भरे जाते हैं, सेम पॉइंट है लेकिन लिखने का तरीका अलग है, तो हम 2-3 पेज है ना उसी पॉइंट से लिख देते हैं, तो फायदा नहीं होता. फिर कटपिट है ना, हमें खुद को पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए डिजिटल बना लो. अगर आप डिजिटल नोट भी नहीं बना रहे हो, देन मैगजीन आता है मंथली मैगजीन ऑफ विजन आईएएस, वाजीराम, फोरम, नेक्स्ट आईएएस, अच्छा सोर्स है. जो ये मंथली मैगजीन है उसमें
जो मंथली मैगजीन है इसमें क्या करना है कि न्यूज़पेपर पढ़ा, हम लोगों ने समझा, उसको साइड में रख दिया. देन जब मंथली मैगजीन आएगा नेक्स्ट मंथ, तो वे पूरा देखना है, रिवाइज करना है, और उसमें ना हाईलाइट कर लेना है वो जो पॉइंट, मान लो बाद में कुछ पॉइंट एड ऑन हो रहे हैं तो उसमें मंथली मैगजीन में वे पॉइंट है ना एड ऑन करते रहना है, ताकि वे हमारा परमानेंट सोर्स ही बन जाए. तो ये है. देन कई लोगों में अभी ये PT 365 चल रहा है या कोई रिविजन नोट्स, ये क्या होता है कि हमारे पास है ना टाइम बिल्कुल कम होता है, लाइक 2 महीने है और मैंने पूरा साल ही करंट अफेयर नहीं पढ़ा, तो क्या करें, अब कोई ऑप्शन नहीं रह जाता मेरे पास, करंट अफेयर करना भी जरूरी है. तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि PT 365, लेकिन ये जैसे मेरे जैसे लोग हैं, थोड़े बहुत आलसी लोग हैं, नहीं मानते, नहीं पढ़ना चाहते, लास्ट में ऑप्शन है, लेकिन उसे अगर सच बताऊं कोई क्वेश्चन नहीं आते, एक मन को तसल्ली मिल जाती है कि हाँ मैंने पढ़ लिया करंट अफेयर, बट यू विल नॉट फाइंड इवन सिंगल क्वेश्चन इन द UPSC. तो वे रिस्क फैक्टर आप का खुद का अपना ले सकते हो. लेकिन मैं क्या कहूँगा कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, फिर डिजिटल नोट्स बना रहे बेस्ट ऑप्शन है, फिर आपको मैगजीन का किसी चीज़ का जरूरत नहीं है. अगर आप डिजिटल नोट्स नहीं बना रहे तो आप है ना मैगजीन में ही एडिट कर लीजिए अपना सब कुछ, दैट दी गुड सोर्स. विजन का मैगजीन लिया मैंने मंथली, उसमें तो मैंने ना क्या करूँगा, मैं सब्जेक्ट वाइज ना अलग अलग कर लेता हूँ, इकोनॉमी का अलग फाइल बना लिया, पॉलिटी का अलग, और जो टॉपिक रिपीट होंगे उनको मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, दैट इज द बेस्ट फॉर करंट अफेयर. फिर लास्ट में क्या आ जाता है कि टेस्ट और रिविजन, रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. मीन स्टैंडर्ड बुक यू हैव टू रिवाइज एटलीस्ट 7 to 8 times, उसमें आपको कोई नहीं परेशानी नहीं आनी चाहिए. 7 to 8 times में ऐसा होता है कि आपको ना थोड़ा बहुत याद हो जाता है, हाँ ये पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ था, हाँ ऐसा मैंने उस बुक में पढ़ा था, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन फिर भी हाँ मैंने कुछ था, कुछ तो क्लिक हो रहा है मेरे दिमाग में. उसके बाद में जब आप टेस्ट लगाओगे तो वे चीजें ना आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, आपको याद रहने लग जाएगा कि हाँ ये टेस्ट में भी आया था, उस बुक में भी लिखा हुआ था, तो इसका आंसर ये होगा, तो दिस इज द कंफर्मेशन. तो आप गेस या लॉजिक वहां पर नहीं लगाओगे, यू नो दी हाँ इस वाले क्वेश्चन का आंसर यही होगा. तो टेस्ट कितने लगाने चाहिए, तो इट अबाउट 70 to 80 एटलीस्ट. 70 to 80 टेस्ट कैसे होंगे, विजन के 35 टेस्ट आते हैं, तो एंड देन इनसाइट का 30 आता है, वाजीराम के 15 आते हैं, देन एक IAS बाबा का डेली क्विज आता है 60-day प्लान में, तो वे भी बहुत अच्छा सोर्स है. आप इतने लगाओ और इन टेस्ट का ना कम से कम 2 या 3 बार रिवाइज कर लो. और रिविजन में क्या करना है, इन रिविजन यू कैन गो फॉर कि टेस्ट में मैंने एनालाइज करना है तो मैं 4 पोर्शन में डिवाइड कर लूंगा क्वेश्चन को. फन सी कॉन्फिडेंट कि ये क्वेश्चन हाँ मुझे पक्का याद है, ये गलत होने का कोई चांस नहीं है. देन डी फॉर डाउट कि मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन हो सकता है बट कंफर्म नहीं है मैं, आई एम नॉट 100% श्योर, तो यहाँ पर मैं ना लॉजिकल गैस के साथ जाऊंगा. देन गैस वर्क कि मुझे नहीं पता लेकिन एक इनसाइड दिल से एक आवाज आती है हाँ ये आंसर शायद हो, तो दैट इज गैस जी. और लास्ट वन आई डोंट नो, मैं मुझे बिल्कुल भी नहीं पता इस क्वेश्चन के बारे में, तो ऐसे क्वेश्चन के बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना है, क्रॉस मार्क देम और उसको साइड में करो, नेवर गो फॉर अटेम्प्ट. गैस में क्या होता है, गैस टाइप वाले में है ना मेन से 50% रेशियो रहता है, मैं अगर मैंने 6 क्वेश्चन किया तो 3 हम लोगों के गलत होंगे, 3 हम लोगों के करेक्ट भी होंगे, तो वे अप्रोक्सीमेटली 0 या नील आते हैं. लेकिन उस टाइम अगर आपका लक है तो वे है ना 4 to 1 रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहाँ पर एडवांटेज मिल जाएगा आपको. देन डाउट वाले में क्या होता है कि डाउट में ना लॉजिकल गैस में जाते हैं, ये लॉजिकल गैस कब इम्प्रूव होगा, देन जब आप है ना 70-80 क्वेश्चन पेपर लगा लोगे और उनका रिवाइज कर लोगे तो देखोगे कि जो मेरे ये डाउट वाले हैं ना ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस होते जा रहे हैं. और हम लोगों का MBA यही होना चाहिए कि स्टार्टिंग में जैसे मैंने 67 क्वेश्चन ऐसे थे कि मैंने डाउट लगा दिया डी, तो डाउट है तो वे मुझे 60 से रिड्यूस करके 20-25 पर लेकर आना है. और इन डाउट वालों का तरीका क्या हो गया कि मैं ना मीन जोन सा पॉइंट मुझे नहीं आ रहा, लाइक 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 पर मैं श्योर हूँ, 2 पॉइंट 2 ऑप्शन पर मैं श्योर नहीं हूँ, तो वे हाईलाइट कर लो टेस्ट के अंदर ही, तो वे रिवाइजिंग करोगे ना तो वे आसानी रह जाता है हाईलाइटेड पोर्शन, हाँ ये ऐसा मेरा डाउट था. या देन स्टार्टिंग वाला 1 आई एम श्योर, तो इनमें क्या है कि आपको है ना 0% टॉलरेंस होता है इन लोग इन टाइप के क्वेश्चन का. जैसे मैंने 30 क्वेश्चन छोटी से किया तो 30 में ना आपके 30 ठीक होने चाहिए, मैं इसमें आप है ना थोड़ा भी चांस नहीं ले सकते, मैं यू हैव टू करेक्ट ऑल 30. अगर इसमें 30 में से गलत हो रहा है मीन्स कुछ तो गड़बड़ है, आइदर आपका रिविजन ही हुआ है या फिर आप बस किताबों को पढ़ रहे हो उनको समझ नहीं रहे हो चीज़ों को, या फिर आपने जब क्वेश्चन किया तो आपका दिमाग या फोकस वहीं पर नहीं था, आपका दिमाग कहीं और था बट आपने क्वेश्चन देखा और ओके कर दिया, या फिर आपने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं पढ़ा, या फिर इज हैव हैड में छोटा छोटा मिस्टेक होता है नहीं देखा. इसके लिए ना वाजीराम के आप लोग टेस्ट लगाओगे ना तो आपको ये डाउट मिलेगा एंड और में, ये लोग वाजीराम वाले क्या कहते हैं कि एंड एंड और में ना
ओपन कर देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में एंड लिखा हुआ है ये लोग और लगाएंगे, तो बच्चे क्या समझेंगे, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में तो वही लिखा हुआ है, लाइक फॉर आर्टिकल 368 उसमें लिखा हुआ है 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस मी एंड, लेकिन वाजीराम वाले क्या देंगे और, तो उसके कारण आपका गलत हो गया। तो ये छोटी छोटी सी चीजें बाद में ना बहुत मायने रखती है, जब ये आप टेस्ट लगाओगे ना तब पता लगेगा आपको कि आप ये छोटी छोटी मिस्टेक कैसे क्या कर रहे हो। टेस्ट होने के बाद में फिर क्या बचता है, या इतना ही कर लो बहुत हो जाता है, डेढ़ एक साल में इतना हो जाए ना तो मीन से तुम्हारा प्रेयर तो कोई वे नहीं कर सकता कि आराम से निकल जाता है। कितना चाहिए होता है प्रेयर के लिए, 200 का पेपर है 105 और इस बार तो कह रहे हैं कि 101 कट ऑफ चाहिए गई है आप लोग, तो सबसे बेस्ट यही है कि ज्यादा मत जाओ। मेरा एक सीनियर टीचर था, वे कहता था इट्स बेटर टू गो फॉर रिविजन ऑफ सम बुक इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग फ्रॉम मेनी सोर्सेस, मीन्स जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी का मैं लक्ष्मीकांत के 8 बार रिवाइज कर लूं वही बहुत अच्छा है, इस बजाय कि मैं पॉलिटी है ना 8 या 9 किताबों से पढ़ूं। रवि जी 8-9 बार ज्यादा करो, बच्चे 2 बार नहीं कर पाते हैं अगर आप, लेकिन 2 बार तो वे डिटर्मिनेशन और आपका है ना डेडिकेशन दिखाई नहीं देता। अगर आप ये सोचते हो ना 2 बार रिवाइज करने में आप यूपीएससी को कटक कर लोगे तो मीन्स आप एक सपने में जी रहे हो, नहीं होता। इधर आप बहुत ही एक्सेप्शनल केस में आ जाते हो ना कि यू आर सो टी है, आपने पढ़ा और सब कुछ मेमोराइज दिमाग में बैठ गया तो आपका ना 1-2 बार में चल जाता है, लेकिन फॉर नॉर्मल बीइंग लाइक मी कि याद नहीं रहता मैंने हिस्ट्री पढ़ा फिर मैं उसके बाद में इकोनॉमी के ऊपर, इकोनॉमी पढ़ने के बाद में क्या हो गया कि फिर से वही हिस्ट्री के भूल जाऊंगा। हाँ, और कई लोगों को क्या पता है क्या कंफ्यूजन आता है पीएस दिन में कि हम पढ़े कैसे, मैं हिस्ट्री पढ़े फिर हमें पॉलिटी भी पढ़ना, जियोग्राफी भी, इतना बड़ा सिलेबस है तो ये मैनेज कैसे करेंगे जी। तो सबसे अच्छा तरीका इसके लिए यही है कि यू कैन गो फॉर शेड्यूल, जैसे मैं क्या कहता था कि विजन आईएएस का शेड्यूल होता है 35 टेस्ट का, उसमें सब कुछ डिफाइन होता है कि के बाद में ये टॉपिक आपका टेस्ट होगा या और ये सोर्स है, तो आप है ना उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना लीजिए, उसमें ना डेज आप अपने अप्रोक्स ले लीजिए। जैसे मान लो कि लक्ष्मी का आपने ना 3 या 4 दिन में रिवाइज कर दिया पूरा, तो इट ऑफ गोइंग फॉर 15 डेज कि आप 3 दिन के शेड्यूल बना लीजिए, टॉपिक वैसे ही रखिए जैसे विजन के आईएएस के शेड्यूल में 35 वाले में, तो वे बहुत हेल्पफुल हो जाता है, उसमें आप लोगों का ना कोई भी टॉपिक नहीं बचता और एक टाइम के अकॉर्डिंग है ना सब कुछ कम्प्लीट हो जाता है। देन यू कैन ट्रैक योर प्रोग्रेस कि मुझे 15 दिन में इतना करना था लेकिन आपने कितना किया, तो इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। मेरा एक दोस्त है अनंत, वे आईएएस है सिक्किम में, वे टाइम वेस्ट करने होता है उसका, तो वे क्या करता था कि अपना है ना स्टॉप वॉच ऑन कर लेता था, जब भी जितना भी टाइम वे पढ़ देता था तो स्टॉप ऑन किया स्टॉप वॉच, फिर जब भी नहीं पढ़ देता था स्टॉप वॉच को ऑफ कर देता था, देन वापिस से अगेन, तो पूरे दिन में उसका ना पता लग जाता था कि एफिशिएंसी कितना रहा है। जैसे उसका स्टार्टिंग में 3 आवर्स कुछ था, फिर उसने देखा कि यार बचौदी में बातें करने में टाइम वेस्ट ज्यादा हो रहा है, फिर उसने धीरे धीरे कंट्रोल करने के बाद में क्या हुआ कि वह ना 14-15 आवर टोटली डिवोटेड टू स्टडी, पढ़ाई करने में डिवोट कर दिया। तो एक ये तरीका होता है आपका, स्टैंडर्ड बुक्स, टेस्ट, रिविजन, रिविजन इज द की टू सक्सेस। यहाँ पर क्या, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता, सो यू हैव टू बी रिवाइज अगेन एंड अगेन। और ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं घर पर काम कर रहा था या मुझे वहां पर भी जाना था या ये इश्यू आ गए, हेल्थ इश्यू आ गए इसलिए मैं नहीं कर पाया, मीन्स ये सब एक एक्सक्यूज होते हैं। ये मुकुल पाठक सर थे, वे हमेशा कहते थे कि यार मैं एक्सक्यूज आर टू हाइड आवर मिस्टेक, ताकि हम लोग ना सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ मैंने वे मिस्टेक नहीं की, लेकिन ये भी नोट करना जरूरी होता है कि नहीं मैंने काम भी नहीं किया, तो क्या है कि बाय चांस मैंने एक दिन काम नहीं किया तो नेक्स्ट डे यू हैव टू यूटिलाइज और डबल एफिशिएंसी से काम करो, या फिर कम सो, जैसे मैं 7 घंटे सो रहा हूँ तो काम नहीं हुआ तो मुझे मैं 5 घंटे सोऊंगा, लेकिन वे डिसिप्लिन तो लाना पड़ेगा यूपीएससी के लिए आप लोगों को। ये हो गया पीयूष जी, अभी परीक्षा ही रहने दे या राइटिंग पार्ट भी बताएं रिटर्न मेंस के लिए? हाँ, मेंस के लिए भी अभी तक के उसमें कोई डाउट है तो इनके डाउट्स ले लीजिए आप। ओके, क्या डाउट शुरू कर देते हैं? हाय योगेश। हाय
My name is Rahul. So my first concern is, as I told us, that yeah, we need to read NCERT books. Read the NCERT books, and you just mentioned that you have to like we have to follow the Lakshmi Kant and Manoj Sir. But initially, what would we start and how would we start and what would be the strategy, right? So whatever you told us, you did not mention your strategy, right? How would you prepare and how would you inspired with the IP as being an IPS, right? IFS, right? Like as you told us, like out of 200, we just required 105. So you know, for just you know, getting 105, and as you mentioned that you attempt the examination, and there will not no DA as what we expect, right? Yeah, yes, sir, you may continue. Yes, that's fine. So, all right. So in the year of 2015, I had attempt the IAS examination, and I can see that there would be a lot of recent happenings, related questions will be there. But I was not, no inspiration about the UPSC, no knowledge about the UPSC, still have attempted examination and secured somewhere 35 or 45 percentage. So now I have collected lots of information, and I just giving my 4 years to the corporate sector. I was a part of human resource department, right? So, you know, just exploiting my 4 years and again preparing for the UPSC, you know, sometimes I would be thinking, no, I cannot do that. नहीं देखो इसमें just wait पता नहीं क्यों okay I'm continuing कि first strategy की कैसे start करना है for that आप है ना टॉपर का वीडियो देखोगे तो उनके स्ट्रेटेजी ज्यादा कुछ नहीं होता है सो सिंपल होता है कि आप है ना स्टार्टिंग में 6 to 10th एनसीईआरटी पढ़ देते हो फिर जब आपको समझ में आने लग जाता है चीजें आप 6 to 10th देन यू कैन रिमूव देम क्यों पढ़ना है उनको बार बार लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक है उनको उनको है ना बार बार पढ़ोगे स्ट्रेटेजी में और क्या है कि आप कितने बजे उठते हो कितने बजे क्या करोगे दैट टोटली डिपेंड अपॉन यू अगर मैं मेरा शेड्यूल बताता हूँ आई वेक अप एट 5:30 तो 5:30 से 7 तक मैं पढ़ता था फिर 7 टू 8 योगा एंड मेडिटेशन देन 8 टू 9 ब्रेकफास्ट थोड़ा रेस्ट देन 9 टू 12 मेरा क्या था अगर एग्जाम टाइम पास में आ रहा है तो टेस्ट देना है अगर टेस्ट नहीं देना है तो ये बुक पढ़ना है जो भी मेरा शेड्यूल था उसके अकॉर्डिंग That's fine, Yogesh, but I cannot copy you. I cannot walk up at 5:30 or 4:30, right? Strategy is something you have to make your own, right? So, it's my strategy. But, totally depends upon you. Depends on you, and you know your capabilities, what you can do or what you cannot. Right. So, as you suggested that we have to read NCERT book. So, what exactly we need to cover in this NCERT standard 6 to 10? What exactly we need to cover? Because I've been reading NCERT books from last 15 days, and I have completed economics and politics right thoroughly. But here you just have to complete them. You don't need to revise them. और याद नहीं करना है ताकि आपको ना समझ में आ जाए कि हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन एक स्टोरी माइंड में क्रिएट हो जाती है अगर आप 6 टू 10th का पढ़ते हो तो फाइन योगी जी एक चीज मैं यहां पे स्टोरी योगी जी यहां पे एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा तो मैंने एक जगह पढ़ा था कि इफ आई हैव बीन गिवन 10 आवर्स टू फाइट अ वॉर देन मैं जो अपने पहले के 6 आवर्स होगा वो अपने एक्स को शार्पन करने में लगाऊंगा ये किसी ग्रेट पर्सन का कहा था इट्स ए फेमस कोट बाय अब्राहम लिंकन या सो मैं यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा दोस्त हमारा यहाँ पे क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस सिलेबस अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस के आधार पर अगर अपने चीजों को लेके चलते हैं तो इट्स वेरी क्लियर कि एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है जैसे कि सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है तो इनके वर्ड्स का मीनिंग पे यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है तो हम अगर वहाँ पे एनसीईआरटी में जाएंगे तो प्रेमबल जहाँ पे आएगा वहाँ पे हमारे अगर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो हमारा फोकस वहाँ पे जाएगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जब क्वेश्चन आएगा तो हमें ये ध्यान में रहेगा अगर क्वेश्चन देखे हैं तो कि पहले क्वेश्चन कैसे पूछे थे यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कैरेक्टरिस्टिक से कैसे क्वेश्चन पूछे थे तो सबसे पहली चीज ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमें देखना चाहिए उसके बाद सिलेबस फिर उसके बाद जो है किसी बुक पे मेरे हिसाब से जाना चाहिए ये स्ट्रेटेजी सब टॉपर्स की मैं क्योंकि लगातार इंटरेक्शन में रहता हूँ आप जैसे लोगों के तो सभी की ये बात तो कॉमन रही है कि सबने यही बोला है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस सिलेबस ये जो है ब्रह्मास्त्र है हमारा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ट्रेंड पता लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चन है एंड यूट्यूब में ना विजन आईएएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर अप है फॉर लास्ट 10 इयर्स तो उसे बहुत कुछ एनालाइज हो जाता है कि आपको क्या करना है योगी जी मैं बताना चाहूंगा
मैं बताना चाहूंगा हमारे जो YouTube चैनल है उस पर समीक्षा सीरीज करके हम लोगों ने लॉन्च की है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं 1985 से लेकर आज तक के जितने क्वेश्चंस हैं सबको हम एनालाइज कर रहे हैं, सबको मतलब कि उनमें क्या नाम कहते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे थे और किस एरिया पे, जैसे हमने कॉन्सेप्चुअली चले हम उसमें क्वेश्चन वाइज ना चल के क्वेश्चन, जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको पूरा एक चैप्टर बना दिया हमने, सारे क्वेश्चन 1985 से आज तक के हमने उसमें डिस्कस कर डाले, तो एक बच्चे को आइडिया लग जाएगा कि की एरियाज कौन से हैं जहां पे उनको फोकस करना है। बिल्कुल सही है, यही होता है, आपको फिर पता कैसे करेगा चलेगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ना देखो या सिलेबस ही ना हो, तो वही हो जाता है ना कि समुंदर है ये, तो इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि कहाँ तक जाना है। तो और बच्चों के भी गुड इवनिंग सर। सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो सर डाउट लेने के लिए ना एक लिमिटेड सा टाइम बोलना चाहिए ताकि यहाँ पर कम से कम 40-45 बच्चे जो हमको देख रहे हैं। हाँ जी सर, तो ना इसको ना एक मिनट्स में डिवाइड कर दो ताकि जितने भी बच्चे इस समय मौजूद है तो सबके क्वेश्चन लिए जा सके। ठीक है, तो दो मिनट, एक मिनट हम लोग सबके डाउट्स के लिए रखेंगे। तो योगी जी लेकिन पीयूष जी आगे एक मिनट रखोगे ना तो क्लियर नहीं होते डाउट। हाँ, सभी बच्चों के ना कॉमन सेम ही डाउट होते हैं, ज्यादा अलग नहीं होता। हम अपना टाइम एक्सटेंड कर लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है, हाफ आवर में ज्यादा डिवोट कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन क्लैरिफाई चीजें होना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट। योगी जी मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे शायद रजनीकांत यदू जी भी जुड़ चुके हैं, तो ये एक उदाहरण है, आप सभी जो लोग सुन रहे हैं तो ये भी आपकी तरह जो है, रजनीकांत जी से मैं चाहूंगा कि इसके बाद वो थोड़ा सा दो शब्द कहें, तो वो आप ही थोड़ा इस ग्रुप के मेंबर थे और उनको सुबह सुबह न्यूज़पेपर और ये, क्योंकि छत्तीसगढ़ इंटीरियर एरिया से आते हैं, उनका सेशन भी 1 तारीख को, तो उनको उन्होंने मेरे को बताया कि इंटरव्यू में सुबेरे उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है आप ये आज की सुबेरे की 7 हेडलाइन बताओ, तो अगर शायद उस दिन का वो न्यूज़पेपर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं उठाया होता तो मुझे शायद इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ होता। तो मतलब चीजें ये हैं कि कई बार ये होता है ना कि हमारे पास चीजें सारी होती हैं और हम सिर्फ बहाने ढूंढ रहे होते हैं कि कैसे काम को टाला जाए, तो मेरा ये मानना है कि चीजों को टालने की बजाय जो है किसी ने कहा था वर्क वेयर यू आर, ऐसे करके एक कोड था, मुझे अभी पूरा याद नहीं आ रहा है कि उसमें मतलब उसका सार ये था कि आप जहाँ पे वहां से शुरू कीजिए, जो आपके पास है उसको यूज कीजिए और फाइट कीजिए बजाय इसके कि एक्सक्यूज दिया जाए। हाँ पीयूष जी बिल्कुल यही होता है, यूपीएससी इज ऑल अबाउट बेस्ट टाइम प्लेस, वे आप कैसे टाइम को यूटिलाइज करते हैं। चलो वे रवि जी, हाँ आप ये डाउट पूछ रहे थे कि सबके सो मेरा क्वेश्चन सर यही है कि आपने प्रीलिम्स मेंस सब सबके बारे में बता दिया, तो थोड़ा ना आपने सीसेट के बारे में थोड़ी क्लैरिटी क्लियर नहीं करी, तो उसके बारे में मेरे को थोड़ा जानना था कि किस तरीके से हम सीसेट क्लियर करें। सीसेट हाँ जी सर, ज्यादातर यूपीएससी वाले इंजीनियर होते हैं ना, उनको सीसेट में इशू नहीं आता, तो मैंने सोचा कि सीसेट के इतना इशू नहीं होगा। ओके, सीसेट में क्या है कि यूपीएससी ना रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है, मेन से कॉन्सेप्ट सेम होता है लेकिन वैल्यूज या थोड़ा बहुत चेंज होता है लैंग्वेज में, तो सबसे पहले गो फॉर द रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड टाइप ऑफ क्वेश्चन। वे क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना तो उसमें लगभग सेम है, ज्यादा अंतर नहीं है, वर्क से क्वेश्चन आता है, टाइम से आता है, देन स्पीड से क्वेश्चन आता है, बोटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं और उनके कॉन्सेप्ट एक ही है, तो एक पेज में ना जितने भी फॉर्मूला है एप्टीट्यूड के वे लिख लीजिए, देन किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन है ना उनको हाईलाइट कर एक अलग से नोटबुक में लिख लीजिए, तो आप देखोगे कि आपका मैक्सिमम वहाँ पर कवरअप हो गया। देन इंग्लिश, इंग्लिश में ना मेन क्वेश्चन क्या आता है कि कॉम्प्रिहेंशन टाइप, तो उसके लिए जब आप द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो तो वहां पर आपको ना लगभग क्लियर हो जाता है क्या चीज है, फिर आप सेकंड चीज में आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि क्या आंसर हो सकते हैं, लाइक इंग्लिश का शायद हिंदी वर्जन भी आता होगा, तो हाँ पीयूष जी मुझे याद नहीं आ रहा, इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन भी आता है ना। हाँ मैंने देखा था, मतलब किसमें, यूपीएससी सिविल सर्विस के प्रीमियम इंग्लिश। हाँ, तो उसमें आगे से ऊपर ऊपर इंग्लिश रहता है, नीचे हिंदी रहता है, बट आप अगर कभी देखेंगे तो हिंदी नहीं, फॉर इंग्लिश, ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो सीसेट में आता है उसके लिए नहीं, उसमें इंग्लिश का जो इंग्लिश ही रहेगा वो हिंदी नहीं आता उसमें। ओके, वे हिंदी नहीं रहता ना, तो इसमें आप क्या करोगे कि है ना लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन आंसर उठा लोगे विद आंसर जो यूपीएससी ने दी है आंसर की, यूपीएससी का, तो जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे देन यूपीएससी के आंसर की से मिलाओगे ना, तो आपके माइंड में एक चीज बैठ जाएगी कि कुछ भी हो इसका आंसर है ना इससे मिलता जुलता यही हो सकता है, क्योंकि सब है ना एक बेसिक थीम के ऊपर ही, एक बेसिक पैटर्न के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के, अगर वे आपने कैसे कर लिया ना तो बाद में उसमें ज्यादा इशू नहीं आता। ओके सर, और किसी के डाउट्स प्लीज। ओके सर, सो कैन आई आस्क वन क्वेश्चन सर? आई हैव
So I am from Kerala and my name is Shibinan. I'm now doing my post-graduation in economics. So is it possible to do both when I am studying? Can I go through all the works? Do you have any person who tried this? Yeah, I know many persons who have actually done their master as well as your UPSC. अभी मैं अनंत का नाम ले रहा था, उसने साथ के साथ में मास्टर इन इकोनॉमी कंप्लीट किया है एंड आल्सो क्रैक द सीएससी एग्जामिनेशन. और भी है, सागर रहा, देन वैभव रहा, देन भाटिया सर रहे, बहुत है. टोटली अपॉन योर मैनेजमेंट कि आप चीज़ों को कैसे हैंडल कर रहे हो, कैसे मैनेज कर रहे हो, उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है. मीन्स अगर आप वर्क के लिए जा रहे हो या स्टडी के लिए कॉलेज में जा रहे हो तो जो जितना भी टाइम आपने वहाँ पर डिवोट किया, लेकिन बीच में ना थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, लाइक टीचर नहीं आया या फिर एक्स्ट्रा पीरियड टाइप है या फिर पूरी क्लास ने बंक मारने का सोचा, तो हम वे टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं पढ़ने के लिए. सर्वे जी का क्वेश्चन आ रहा है. थैंक यू सर. सर्वे जी अपने आपको सर एक डाउट है जी. हां हेलो सर, मैं 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो मेंस में जो ऑप्शनल होता है सर, तो ऑप्शनल के बारे में मतलब कैसे प्रिपेयर करें, कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा? ओके सब्जेक्ट पीएसजी जी, मैं आपको ना एक पेज शेयर किया होगा या फिर एक शेयर कर दूंगा पेज, उसमें क्या है कि कितने परसेंट लोगों ने कितना पासिंग किया हुआ है. जैसे ना जियोग्राफी एज एन ऑप्शनल सिर्फ 5% लोगों का ही पास हुआ है फ्रॉम 2015 to 18. और जिन लोगों का पब एड है 6% कुछ है, लेकिन जो लो वाले स्टूडेंट है ना क्या करें, जियोग्राफी वालों का तो बुरा हाल है. हाँ, लो वाले स्टूडेंट का 13% कुछ है. तो उसमें पूरा ना डिटेल दिया हुआ है यूपीएससी की तरफ से, कितने कौन से सब्जेक्ट में कितने लोगों ने पास किया है. सेकंड चीज ये क्या डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में, वे मेन फैक्टर है. मेन आप सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना करते हो, वे कैसे पता लगेगा? आप है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो यूपीएससी के ऑप्शनल के. आप ऐसा तो नहीं होगा कि आप 28 के 28 सब्जेक्ट अच्छे लगे होंगे, आपको कंफ्यूजन आ रहा होगा 3 या 4 सब्जेक्ट में जी. तो उनका प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, लास्ट 2 or 3 इयर्स का, तो उसमें ना क्वेश्चन पढ़ना तो तुम्हें ना अधिक क्लैरिटी वहीं पर हो जाएगी कि हाँ ये मेरे लिए इजी होगा, ये मेरे लिए हार्ड होगा, इसको मैं आंसर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा. देन इंटरेस्ट सेकेंड हम देख सकते हैं कि आप है ना क्लास 11th and 12th की वे बुक उठा के देख लेना. जब आप बुक उठाओगे ना तो वहाँ पर इंडेक्स है, तो वहाँ पर टॉपिक मेंशन होते हैं कि ये टॉपिक है. जब आप टॉपिक को पढ़ोगे ना तो वहाँ पर आपका क्लैरिटी वहाँ पर भी हो जाता है कि हाँ मुझे इन इन टॉपिक में इंटरेस्ट आ रहा है या ये मैं इजी से याद कर पाऊंगा, तो ऐसे ही ऑप्शनल चूज होता है. वरना ये भीड़ चाल है, उन्हीं के साथ चले जाओ. जैसे हम लोग कहते हैं जियोग्राफी अच्छा चल रहा था, जियोग्राफी ले लिया. अब ये एंथरो अच्छा चल रहा है, टॉपर आ रहे हैं एंथरो से, तो लोग एंथरो ले रहे हैं. लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा ऐसे ना किया जाए ना, सबसे अच्छा रहेगा. मैं एक एक करके सबके डाउट दे रहा हूँ. सबसे पहले मैं दे रहा हूँ सर्वे जी को उनके डाउट्स पूछने के लिए. सर्वे जी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए वो किया है. सर्वे जी मेरी आवाज आ रही है? हेलो, लगते हैं वे चले गए. हेलो जी, या नेक्स्ट पर चलते हैं, जब लाइव होंगे तो देखते हैं. तो अगला मैं दे रहा हूँ, रवि करनाल जी ने शायद अपने डाउट्स ले लिए हैं. उसके बाद आगे बढ़ते हुए अरुण कुमार एच, मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप अपना क्वेरी अगर कोई है तो वो पूछ सकते हैं. मैंने म्यूट के लिए उनको वो कर दिया है. जी अरुण जी, अरुण जी मेरी आवाज आ रही है? क्लियर नहीं. जी अरुण जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है, प्लीज क्लियर वॉइस कर लें. नहीं आ रही आवाज शायद. तब तक के लिए मैं पलक जी से बोल रहा हूँ. पलक शर्मा जी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क, मैंने आपको अनम्यूट के लिए इनवाइट किया है. जी जी पलक जी, आई वांट टू आस्क क्वेश्चन. जी मुझे ये पूछना था कि आईएएस में फिजिकल टेस्ट होता है क्या? आईएएस में फिजिकल टेस्ट होता है? आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट कि फिजिकल टेस्ट किस टाइप का, लाइक आईएएस मेडिकल टेस्ट होता है? मेडिकल टेस्ट या होता है? या दैट इज आफ्टर इंटरव्यू. अगर आपका इंटरव्यू 25 को है तो आपका मेडिकल टेस्ट 21 को होगा. मेन कंप्लीट बॉडी चेकअप होता है आपका, आई टेस्ट, उसमें आपको है ना. लगी आपकी आवाज बैक कर रही है. नहीं कर पाएंगे. सॉरी नहीं सर, मुझे सिर्फ यही पूछना था कि फिजिकल टेस्ट होता है क्या? आपकी वॉइस जो है बिल्कुल क्लियर नहीं है. चलिए हाँ, मतलब मेडिकल टेस्ट होते हैं. मेडिकल टेस्ट में आपका आई, नोज, हाथ पैर, फ्लैट फुट, डिजीज सब कुछ चेक करते हैं ये लोग, तो ये ना नॉर्मल होना चाहिए.
और अगर आप आईपीएस आईपीएस चूज करते हैं तो आपका फिजिकल टेस्ट में आपसे रनिंग देन टेस्ट एक्सपेंशन ये भी करवा के देखेंगे. फॉरेस्ट में 25 किलोमीटर का वॉकिंग टेस्ट भी होता है. आईएस में कोई ऐसे टेस्ट तो आईज में 6x6 होना चाहिए विद आई ये स्पेक्टर चश्मे के साथ में. मतलब आपका कितना वीक है, मीन चश्मा कितने नंबर का है? मेरा कम है, थोड़ा कम है, तो उससे कम है. कितना? ओके वे आप चेक कर लीजिए 6x6 6.4. ज्यादा ज्यादा इशू नहीं आना चाहिए 6.4 से. बहुत लोग चढ़ा हुआ चश्मा. हाँ लेकिन आपको ना कलर ब्लाइंडनेस नाइट ब्लाइंडनेस ये जरूर चेक होता है, तो ये नहीं होना चाहिए. जी ऑल और अभी आप थोड़ा बहुत सर मेडिकल से रिलेटेड एक छोटा छोटा डाउट है छोटा सा. हाँ बोलिए. कि अगर किसी के आर्म पे टैटू है तो वो एलिजिबल है यूपीएससी के लिए? परमानेंट और टेम्परेरी? परमानेंट है. ऐसा तो केस मुझे तो सुनने में नहीं आया कि परमानेंट टैटू लगा हुआ है और उसको यूपीएससी से निकाल दिया. जी बिल्कुल बिल्कुल. तो अभी प्रोफेसर हेमचंद पांडे सर भी आ गए हैं, उनका भी मैं जो है वेलकम करता हूँ. ही इज असिस्टेंट प्रोफेसर कुमाऊं यूनिवर्सिटी और मेरे काफी मतलब मेरे को और एस्पायरेंट्स को भी वो गाइड करते रहते हैं. उनका भी सेशन है 7 को, तो उनका सेशन भी आप लोग अटेंड कीजिएगा. तो बाकी लोग किसी के डाउट्स हैं तो डाउट्स ले लीजिए जल्दी जल्दी. और योगी जी मजे की बात यह है कि जूम अलाउ करते हैं 40 मिनट की मीटिंग. हमारी जो है 1.5 घंटे की मीटिंग हो गई है. जूम ज्यादा ही मेहरबान है हमारे ऊपर. आई हैव अ डाउट. या हां बोलिए. सो आई हैव एन फ्लैट फिट, सो वुड आई बी एलिजिबल फॉर दैट? योगी जी कल वाला केस जब आप मेरे को फोन करके बता रहे थे कि वहां आरएमएल में जाने करके. हाँ फ्लैट फुट का है ना, जो टेक्निकल सर्विसेज होती है उसमें थोड़ा बहुत इशू आता है. नॉन टेक्निकल सर्विस में फ्लैट फुट का ज्यादा इशू नहीं है. टेक्निकल सर्विस में आपका आईपीएस आ जाता है थोड़ा बहुत, देन आईडीईएस आता है. मतलब 3-4 सर्विस ही है जो टेक्निकल में आती है और वे यूपीएससी के नोटिफिकेशन में दिया हुआ है. ओके ओके. तो बाकी लोग कोई इश्यूज हैं? अनिल जी पूछिए अपना क्वेश्चन. हेलो गुड इवनिंग सर. या हैप्पी गुड इवनिंग. सबसे पहले तो मैं पीयूष जी को धन्यवाद करना चाहूंगा. पीयूष जी बहुत मेहनती प्रीशर्मी व्यक्ति हैं, मतलब ये सेशन जो है उनकी सहायता से यहाँ पे हो रहा है. नहीं ऐसा कुछ नहीं, पूरी टीम का वो है. जी आप क्वेश्चन पूछिए. नहीं पीयूष जी का अलग से ही है. मेरा नाम अनिल टमटा है, मैं जहाँ से पीयूष जी है वहीं से हूँ. मेरा क्वेश्चन ये है कि करंट अफेयर जो है ना वो एक सागर के समान है. हाँ. इसको हम कैसे कैसे सही से इस पे काम कर सकते हैं सर? लगता है आपने लेट ज्वाइन किया हुआ है. आपने लेट ज्वाइन किया है? लेट नहीं नहीं लेट ज्वाइन नहीं किया सर. पहले सर करंट अफेयर में ना आप जितना घुसोगे ना वे उतना अंदर डूबते चले जाओगे. तो वही है, एक या दो न्यूज़पेपर में स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू कर देता हूँ. इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, फिर मंथली मैगजीन है. तो मैं हिंदी में क्या हिंदी का यार इतना तो नॉलेज नहीं है, लेकिन दृष्टि आईएएस की जो हिंदी की मैगजीन आती है वे बहुत अच्छी बताते हैं. न्यूज़पेपर के लिए क्या होगा सर? न्यूज़पेपर के लिए दैनिक जागरण, भास्कर. भास्कर में एडिटोरियम में थोड़ा बहुत अच्छा एनालिसिस होता है. हाँ और एक आप दृष्टि का मंथली मैगजीन देखना, मतलब उसमें वे लोग है ना लगभग सब कवर अप कर देते हैं. आपका फ्रंट लाइन का भी वे हिंदी ट्रांसलेशन करके जैसे भी करते हैं हो जाता है उन लोगों से सब कुछ. मैं देख रहा हूँ कि तो शायद 90 या 100 रुपए की मैगजीन. हमारे बीच में रजनीकांत यदू जी भी हैं, छत्तीसगढ़ पीएससी का टॉपर हैं और हमारे बीच से हैं. रजनीकांत जी अगर आप कुछ कहना चाहें बच्चों से, कुछ मोटिवेशनल शब्द, आप हमारे बीच से हैं तो आज आपका सेशन अलग से है, बट आज आप फिर भी ज्वाइन हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और इनकम टैक्स सर आई हैव, तो मैं चाहूंगा कि जो है रजनीकांत जी अपने कुछ थोड़ा बहुत वो भी अपने शेयर करें. सर मेरा एक डाउट है, मैं सर से एक बार पूछना चाहूंगा. जी सर मैं जो है यूपीएससी के लिए हिंदी मीडियम का एस्पिरेंट हूं. हाँ सर, तो क्या होता है कि जब मैंने इस बार का मेंस दिया तो मेरे को लगा कि मेरा टाइम कम पड़ जा रहा है. हिंदी मीडियम पर लिख रहा हूँ बट कुछ चीजें छूट जा रही है, क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, जितना लिख रहा हूँ फिर भी बच जा रहा है. तो ये क्वेश्चन को ज्यादा मतलब हिंदी मीडियम के कैसा और अप्रोच करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सके, क्वेश्चन ना छूटे? अगर भाई टाइम का कमी आ रहा है ये मेनली प्रैक्टिस के कारण होता है कि हम लोगों ने एक या दो टेस्ट लगा लिया और सोचते हैं कि यूपीएससी में फोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं होता. तो मेंस के लिए आपको है ना. हाँ बोलिए. जो क्वेश्चंस जो रहते हैं उसमें जो मतलब हिंदी के जो वर्ड रहते हैं ना वो एकदम शायद ना कॉपीड रहते हैं, गूगल ट्रांसलेटेड रहते हैं, तो समझने में ही कुछ चीजें उसमें टाइम लग जाता है, कंज्यूमिंग हो जाती है थोड़े. हिंदी भी रहता है. हाँ लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपने ऑप्शन में मीडियम में ना हिंदी लिया है. हिंदी ये नहीं है कि आप इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बिनेशन चलेगा.
हाँ, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको मेन लैंग्वेज में कमांड होनी चाहिए। अब भाई स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, अगर मैं नहीं बोलूंगा या गणतंत्र दिवस, मैं बेसिक हिंदी नहीं यूज करूंगा तो जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं उसको थोड़ा अजीब लगता है, या तो हिंदी के लिए जा रहा है और तो इंग्लिश यूज कर रहा है। तो सर मैंने अभी स्टेट पीसीएस का एग्जाम, सर छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ पीसीएस का एग्जाम मैंने क्लियर किया हुआ है और स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है मुझे, अभी रिसेंटली ज्वाइन हुआ है मेरा। सही है, इनका भी तो सर यही यहाँ पे एस एकेडमी से जुड़ा हुआ था मैं, तो न्यूज़पेपर्स वगैरह यहीं से पढ़ने को मिल जाते थे, सुबह सुबह दैनिक जागरण का, नेशनल एडिशन, तो थोड़ा हेल्पफुल रहा था ये आप एस एकेडमी का जो यूज़ जो सिस्टम का जो इनिशिएटिव है। बढ़िया नहीं, देखिए हम लोगों के लिए वो बात यह है कि अवेलेबल सबके लिए है, न्यूज़पेपर सबके लिए डाले जाते हैं, बट एक ही रजनीकांत हेतु जैसे कुछ ही होते हैं जो उसका इस्तेमाल करके जो है वो सिलेक्शन लेते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो जिनका वास्तव में सिलेक्शन हुआ है और जो वास्तव में इस इनिशिएटिव का लाभ उठा रहे हैं, बट यह है कि बाकी लोग जो उनको लाइटली ले रहे हैं वो शायद अभी भी मंजिल से थोड़ा दूर है। तो मैं चाहूंगा कि सीरियसली लें चीजों को, क्योंकि एग्जाम जो है छोटा एग्जाम नहीं है, बाकी लोग डाउट्स हैं किसी के तो ले सकते हैं। सर मेरा एक सवाल है सर। बाबू हेलो सर। हाँ बोलिए सर। सर मतलब टाइम कितना, मतलब दिन में कितना घंटा पढ़ना चाहिए इसके लिए? वो अगर आप स्टार्ट में शुरू करते हो जैसे आपने स्टार्टिंग किया तो या 15-16 घंटे डिवोट करना बनता है यूपीएससी को। मैं यूपीएससी को ऐसा छोटा मोटा एग्जाम नहीं है कि आपने 2-3 घंटे में पढ़ा, या हम इंजीनियर का मान लो कि लास्ट नाइट में पढ़ाओ पेपर के लिए कर देंगे अच्छे स्कूल से, आपको ना स्टार्टिंग में 15-16 घंटे तो डिवोट करना ही है रिलीजियसली। लेकिन जब आप पुराने खिलाड़ी हो जाते हो, 3 साल हो गए आपको तैयारी करते हुए, तो उस टाइम आप है ना 9 आवर 10 आवर 8 आवर यहाँ पर जा सकते हो, तो उस जोन में आपको अलाउ है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको अलाउ नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी लोग किसी के डाउट हैं, ये कोई बोल रहा है प्लीज म्यूट कर ले सब। हाँ विवेक, हाँ कौन है? हेलो। हाँ सर, मैं नारायण पिंपल का बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से। ओके बोलिए सर। मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, तो सर जॉब करते करते प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए इसके बारे में थोड़ा। ओके जॉब के टाइम क्या होता है कि हम लोगों को है ना 8 to 5 तो वहाँ पर जाना ही जाना है, फिर उसके बाद में थक भी जाते हैं हम लोग, तो थोड़ा बहुत रेस्ट भी चाहिए। तो इसमें क्या है कि आप है ना थोड़ा टाइम 1 ईयर के टारगेट की बजाय 2 ईयर का टारगेट लेकर चले कि मुझे यूपीएससी है ना 2 ईयर में क्रैक करना है, और विजन आईएएस का जो शेड्यूल है ना उसको फॉलो कर लीजिए, लाइक कि मैं ना 3 घंटे या 4 घंटे डिवोट कर रहा हूँ, और ये 3-4 घंटे ना मुझे डिवोट करना ही है कुछ भी हो जाए। तो जब आप 3-4 घंटा डिवोट करोगे तो आपको स्टार्टिंग में ना मुसीबतें आएगी कि आपका सिलेबस बैक हो गया या फिर कम्प्लीट नहीं हो रहा है ऑन द टाइम, लेकिन उन सबको इग्नोर करते हुए ना आपको चलते ही रहना है कि हाँ मुझे पढ़ने 3-4 घंटे देने, चाहे मैं सुबह उठ कर दूं या फिर रात के टाइम दूं। तो बाद में आप है ना आफ्टर 8 to 9 months देखोगे कि आपका लगभग है ना सब कुछ कंप्लीट होने वाला है, तो रिवीजन करोगे ना तो फर्स्ट रिवीजन में आपको है ना 70% टाइम लगेगा, फिर उसके बाद में 30%, और जब आप 5th रिवीजन में आओगे ना तो जो चीज आप 20 दिन में कंप्लीट कर रहे थे आप देखोगे कि 5वें रिवीजन आने के बाद आपको 2 दिन ही लग रहा है कंप्लीट करने में। तो फिर 2nd ईयर में यही होगा आपका साइकिल कि आप एक बुक लक्ष्मीकांत 2 दिन या 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हो। तो भैया थोड़ा टारगेट 1 ईयर की बजाय 2 ईयर का कर लीजिए, हो जाता है। और सर रेफरेंस बुक की सर अगर लिस्ट मिल जाती तो अच्छा था, आपने जो रेफर की। ओके ठीक है, मैं दे दूंगा बुक। हाँ मैं पीयूष जी को दे दूंगा। हाँ मेरा भी एक क्वेश्चन है, एक एक करके हो जाए तो। योगी जी आप बताइए। सर मेरा एक डाउट है जी, आप बोलिए। ओके गौरव जी बोलिए। हाँ सर, आपने यूपीएससी के साथ साथ बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं, तो सर ये कैसे हो पाया? मींस मैं अभी बिहार दरोगा मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं सर यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ। ओके अगर मैं सच में कहूँ ना नहीं हो पाता, यूपीएससी का सिलेबस अलग है, हरियाणा का सिलेबस अलग है, राजस्थान का बिल्कुल ही अलग है, और यूपीपीएससी का बिल्कुल ही अलग है, तो नहीं हो पाता भाई। लेकिन ये था कि मैंने स्टार्टिंग में ना 2 साल रिलीजियसली यूपीएससी को ही दिया है, तो 2 साल में सिलेक्शन नहीं हो रहा तो बाद में आप ना टाइम डिवोट कर सकते हो। तो मीन 2 साल आपको यूपीएससी में टाइम दे दिया तो बाद में आपको ना लर्निंग में रिविजन करने में इतना इशू नहीं आता, तो फिर आप देन यू कैन गो फॉर अदर एग्जाम जैसे मैंने किया। स्टार्टिंग में मेरा 3 साल नहीं हुआ, माइंड फ्रस्ट्रेट हुआ, तो दूसरे एग्जाम में जाओ, तो उस टाइम मैंने हरियाणा क्रैक किया, राजस्थान भी दिया, सब जो भी एग्जाम सामने आ रहा था SSC CGL सब दिए। तो लेकिन वही है, आपको टाइम तो देना पड़ेगा चाहे कोई भी एग्जाम हो, इवन स्टेट पीएससी के लिए भी टाइम देना पड़ता है, यूपीएससी के लिए भी, SSC CGL यू हैव टू गिव टाइम। तो ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ एक ही साथ कर लोगे, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता।
जी बाकी लोगों के डाउट्स जो भी हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि ये डाउट आस्क मी एनीथिंग सेशन है, तो आप लोग बेझिझक होकर क्वेरीज पूछिए अपनी, जितने भी लोग हैं बेझिझक होकर जो भी क्वेरीज आती हैं आप लोग पूछ सकते हैं, बस उसके लिए एक सिक्वेंशियल वे में हो। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है जी, विवेक ओके बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है, बाकी लोग मैं मतलब दो पीएचडी तो आवाज मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको, और जो बोलेगा वही जो है वो बोल पाएगा। जी आप किसको क्वेश्चन पूछना है वो रेज हैंड करें, और योगेश जी आप बताइए किसको क्वेश्चन लेना है। हाँ विवेक जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। आपने ईयरफोन निकाल लिया आवाज कर रहा है, ईयरफोन निकाल लीजिए। हेलो जी, जी पूछिए। सर मैं ग्रेजुएशन का तैयारी मतलब इस वर्ष कर रहा है, इसी मतलब ईयर में एडमिशन हुआ है, तो इंग्लिश ऑनर्स से कर रहे हैं। तो सर मैं अभी तक तो मतलब हिंदी मीडियम में तैयारी कर रहा था, लेकिन मेरे लिए कौन सा मतलब मीडियम अच्छा होगा यही पूछना था। सबसे पहले तो आप कंफर्टेबल किस मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश? और हिंदी का मतलब ये नहीं है कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों यूज करना है, हिंदी मीन ओनली हिंदी, ये नहीं है कि आप इंग्लिश के वर्ड भी हिंदी में लिख रहे हो, उनका मतलब आना चाहिए हिंदी में। अब बताइए आप कंफर्टेबल कौन से में, हिंदी और इंग्लिश? सर अभी मतलब हिंदी में अभी अच्छा से कंफर्टेबल। ओके हिंदी में आप कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहेंगे? सर मतलब बोला है कि मतलब मेरा अभी इंग्लिश मतलब उतना अच्छा नहीं है, तो इसीलिए मतलब हिंदी में कंफर्टेबल है। नहीं, लेकिन और इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता स्वाधीनता क्या स्वाधीनता इंग्लिश में करिए इंडिपेंडेंस स्वाधीनता आजादी को फिर क्या कहेंगे फ्रीडम। देखिए ये सेशन ऐसा है ना, अगर आप लोग गलत क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर क्लास भी लगेगी, बिल्कुल क्लास लगेगी। हम नहीं मतलब है पीएचडी, मेरे यहाँ पर कहने का मतलब है हिंदी मीडियम अच्छा है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश के वर्ड वे ही आप हिंदी में लिख रहे हो ना, तो फिर जो सामने वाला चेकिंग करने वाला होता है वे अपने दिल पर ले लेता है जिन चीजों को, या तो हिंदी मीडियम में पेपर दे रहा है और इंग्लिश के शब्द यूज कर रहा है। yes, तो वो इंग्लिश में ऐसा क्या होता है कि इंडिया में क्या है बुढ़े लोग होते हैं तो वे दिल पर नहीं लेते क्योंकि ये आपकी मदर टंग नहीं है, तो आप थोड़ा बहुत वर्ड अलग भी यूज करोगे ना तो वे एक्सेप्ट कर लेते हैं, या ठीक है हम लोगों का मदर टंग नहीं है हिंदी तो ठीक है इंग्लिश गड़बड़ चलेगा, लेकिन हिंदी में आप गड़बड़ करोगे तो वे यहाँ पर बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ तो आप अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग कोई भी मीडियम हो वे चूज कर लीजिए, और एक काम कीजिए ना आप एक पेपर हिंदी में लिखिए और एक पेपर इंग्लिश में लिखिए, और पीयूष जी या जो भी आपके पास है मेंटर अवेलेबल है या टीचर अवेलेबल है या कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट उसको है ना दिखा लीजिए, चेक करवाओगे ना तो आपको पता लग जाए। योगेश जी मैं बताना चाहूंगा हमारे डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव चलता है जिसमें हम रोजाना मेंस के क्वेश्चन देते हैं और रोजाना इनके उत्तर देने के लिए कहते हैं, बट मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स आर नॉन सीरियस और वो लोग नहीं लिखते हैं, जो लिखते हैं वो इस इनिशिएटिव का फायदा उठा रहे हैं, और बहुत रेप्यूटेड टीचर्स हैं दिल्ली मतलब संकल्प के कुछ लोग हैं कुछ जो हेल्प करते हैं हमें बहुत। अब विवेक जी अब इनके ही है ना आई काम कीजिए, तीन चार दिन है ना कंटिन्यूस है ना एक हिंदी और एक इंग्लिश दोनों में उनसे वहां पर फॉरवर्ड कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपको हिंदी में एग्जाम देना है या इंग्लिश में एग्जाम देना है। यहाँ से बेस्ट तरीका है योगेश जी, यहाँ पे वीरेन जी का क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। नमस्कार जी, मेरा भी एक क्वेश्चन है और पता नहीं सार्थक है या नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस एक प्रश्न उसको पूछना क्योंकि आपका जो सेशन है आस्क फॉर एनीथिंग को रिलेटेड है, तो जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाई जानी चाहिए वो किस एज ग्रुप से बेसिक्स स्टार्ट कर देनी चाहिए बच्चे की? ओके बच्चे के लिए देखो अगर आप लोगों का हाँ जी हेलो
अगर आपका है ना आईएएस बनना ही टारगेट है आपके बच्चे का यूपीएससी में एक मात्र टारगेट है ना, तो क्लास सिक्स से शुरू कर दीजिए उसकी तो एजुकेशन, क्योंकि बाद में हम लोग कुछ नहीं जो क्लास में स्कूल में पढ़ा, हाँ वही बता रहा हूँ, जो स्कूल में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है ना वही अच्छे से उसको याद करवा दीजिए, बाद में जाकर यही चीज याद करना है और कुछ नहीं करना अलग। अच्छा अच्छा अच्छा, मिस स्कूल का सिलेबस है ना सबसे बहुत अच्छा सिलेबस होता है याद करने के लिए, लेकिन अभी तो ट्रिक्स के थ्रू जैसे लर्न अप होता है वो ट्रिक्स के थ्रू लर्न अप करना ज्यादा बेटर रहेगा या थॉरली काम करना थॉरली पढ़ना ज्यादा। आपका लड़का कौन सी क्लास में है? मेरी लड़की है, मेरी लड़की अभी 8th में आई है। 8th में आई है ना, तो मींस इतना प्रेशर क्यों डालना है थॉरली? नहीं नहीं, आपको मालूम है आजकल बहुत ही कॉम्पिटिटिव है और उसके लिए जो है ना कंपटीशन के लिए बच्चे को रेडी पहले से प्रिपेयर करूँ तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ प्रिपेयर करो, लेकिन बोझ मत डालो उनके ऊपर, प्रिपेयरेंस मीन कि स्कूल में करवा रहे हैं एनसीईआरटी, बाद में भी आप क्या पढ़ोगे? एनसीईआरटी पढ़ोगे, कुछ अलग नहीं पढ़ोगे पांच छह बुक को छोड़कर, तो मतलब 8 या 10 साल का अभी से क्यों सोचना, मतलब कंपटीशन है ना, तो कंपटीशन के अंदर तो ये रहता है कि बच्चे का जिस तरीके से हम माइंड डाइवर्ट करेंगे, बच्चे को जिस चीज के लिए जो हम बनाना चाहते हैं उसको शेप अप कर सकते हैं ना, तो अभी से उसको मैं चाहती हूँ कि वो ट्रिक फुली लर्न अप करना स्टार्ट करे। एनसीईआरटी शुरू करवा दीजिए उनको, वो जो स्कूल में जितना करवाया गया ना उसको याद करवा दीजिए, मोर देन इनफ है ये। अच्छा आपने कब से स्टार्ट करी थी? मैंने ग्रेजुएशन के बाद से। योगी जी मतलब योगेश जी मतलब मैं अपने ग्रुप की एक खासियत बताना चाहूंगा, मुझे इंदौर से किसी वाडिया सर का कॉल आया था कि सर मतलब आप लोग जो है इतना मतलब इनिशिएटिव ले रहे हो, मेरे बच्चों को भी जोड़ो, मैं आपके ग्रुप में हूँ। तो मैं अपने ग्रुप की एक खासियत मानता हूँ कि बच्चे तो हैं और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को गाइड करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मतलब गर्व होता है, कॉन्शियस होना पड़ता है बच्चों के कैरियर को लेकर के। जी बिल्कुल, कॉन्शियस होना अच्छी बात है लेकिन प्रेशराइज करना उतना ही गलत है, दोनों में पता है ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, एक लाइन का ही अंतर होता है। योगेश जी सर्वे जी का क्वेश्चन बार बार आ रहा है सर्वे जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर्वे जी अगर मेरी आवाज आ रही हो तो। हेलो सर्वे जी, कुमार पांडे जी अपना पहले ऑडियो कनेक्ट कर लीजिए। चलो इतने आते हैं सर। हाँ बोलिए, सुन पा रहे हैं आप? चलो हाँ बोलिए। सर मैं बिहार से बात कर रहा हूँ, सुनाऊं से? हाँ जी, कैसे हो? ठीक हो सर? सर अभी अभी मैंने सर ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया लास्ट ईयर का, ठीक है सर? ओके सर, फिलोसफी से मेरा ऑनर्स था, फिलोसफी सब्जेक्ट था। सर अभी मैं तो आईएएस का मैं कुछ जानता नहीं हूँ, क्या होता है सिलेबस, क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं कुछ जानता हूँ, अभी मैं नया हूँ मैं यहाँ पे सर। अभी आपके पास मोबाइल है? सर मोबाइल है अभी तो, मतलब। और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है? जी जी सर। और 3 मिनट है आपके पास, सिर्फ 3 मिनट? जी सर। हाँ यूपीएससी में वहाँ पर गूगल में जाइए, यूपीएससी सिलेबस डालिए, वहाँ से आपको पता लग जाएगा यूपीएससी का सिलेबस क्या है। मतलब ये क्यों नहीं है कि मैं अभी से आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको यूपीएससी का सिलेबस जानना ही जानना है। तो हमको सर आज ही से मतलब तैयारी करना है सर, आज से मतलब मेरा फर्स्ट डे आज ही है सर। तो सर अभी हमको क्या करना है सर? और सबसे पहले तो यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड कीजिए, उसको याद कीजिए, फिर बाद में एनसीईआरटी से शुरू कीजिए। एनसीईआरटी में सर मतलब कौन से क्लास है सर? क्लास 6 to 10। एक बार जब पढ़ लो तो आप उनको रिमूव करके जो स्टैंडर्ड बुक है वे बार बार रिवाइज उनको ही करना है फिर। जी सर। तो सर 6 to 10 है, उसमें सर जो साइंस का है, साइंस का पढ़ना है कि सिर्फ सर? नहीं मत पढ़ो, क्यों पढ़ना है, दिमाग खराब करेगा, मतलब इतना मोटा बुक है, इससे बढ़िया है ना साइंस के लिए आप क्या कीजिए, बैंकर अड्डा या फिर ग्रेड अप के ना 60 या 70 पेज में कम्प्लीट हो जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वे पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा है, टाइम कंज्यूम कम होगा। एक जना बोले ना तो अच्छा रहेगा। बैंकर अड्डा और दूसरा क्या बोला सर, लिख लेता हूँ मैं, बैंकर अड्डा एंड ग्रेड अप। ग्रेड अप उसमें ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो एनसीईआरटी के है ना एक कंसाइज नोट दिया हुआ है 70-80 पेजों में, जब हम लोगों ने मेहनत किया हो तो दोबारा मेहनत क्यों करनी। और फिजिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चन आता नहीं है, बायोलॉजी से क्वेश्चन आता है, उसके लिए हम लोग 20-25 दिन लगाए तो नॉट फेयर इनफ। हाँ अब पलक जी, पलक जी पलक जी बोलिए। सर आपने 2 इयर्स में यूपीएससी टारगेट का किया, तो 6 to 10 मतलब 1 ईयर आपने क्या किया और सेकंड ईयर आपने क्या किया?
पढ़ाई 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 और कुछ नहीं। नहीं जैसे फर्स्ट ईयर में आपने 6 टू 10th पढ़ी होगी सारी बुक्स ऐसी आती एंड देन सेकंड ईयर आपने सभी बुक्स भी उठाई होंगी या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है कि 6th ईयर फर्स्ट ईयर में आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, सेकंड ईयर में आपको करंट अफेयर करना है, आपको स्टार्टिंग से ही हाँ उसका बताया ना विजन आईएएस का शेड्यूल उठा लीजिए। तो विजन न्यूज़पेपर का है तो विजन आईएएस का कर लें और 6 टू 10th जो हम अपने साथ के साथ बुक्स भी करते रहे और जो हमारे ग्रुप में जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी सॉल्व करते रहे। हाँ अगर यूपीएससी क्रैक करना है तो सब कुछ करना ही पड़ेगा और अगर यूपीएससी क्रैक नहीं करना तो कुछ भी मत कीजिए। हाँ तो देखो इतनी मेहनत लगती है, मीन जो लोग ये कहते हैं ना कि हमने एक रात में पढ़ कर किया वे सब ऐसे मजाक कहते हैं, थोड़ा बहुत टोर हो जाता है बनाने का, उन्होंने भी इतनी मेहनत की है। वो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है तो अगर आप नहीं करोगे आपके साइड वाला करेगा तो वे आपका हक मार कर ले जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा टाइम टेबल सेट करके थोड़ा 6 टू 12th ये भी करना है। हाँ मतलब 6 टू 12th में ये नहीं करना कि मैंने 3 महीने कर दिया, फर्स्ट ईयर में कंप्लीट करना है, नहीं पूरा लगाना है उसमें भी, मंथ लगाना है, ईयर लगाना। जैसे 6 टू 10th है ना, मान लीजिए मुझे एक या डेढ़ महीना लगा कंप्लीट करने में, डेढ़ महीने के बाद में मैं उनको ना बुक को साइड में रख दूंगा, फिर मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। डेढ़ महीने में कंप्लीट कर लियो, मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके दो महीना मान लीजिए आप, दो महीने भी नहीं लगे मुझे तो हिस्ट्री कंप्लीट करने में, 3 मंथ लगे थे। ओके हिस्ट्री अभी समझ गया। अभी आप क्या ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो चुका है या फिर कर रहे हो? नो सर मैं बीए सेकंड ईयर में आई हूं अभी अभी। हाँ ठीक है आराम से टाइम आपके पास, तो फिर इतना ही सुनिए, आप सेकंड ईयर में दिसंबर तक एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए 6 टू 10th, फिर उसके बाद में आप है ना न्यूज़पेपर स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ चले जाएं। यस सर स्टैंडर्ड बुक्स आप सेंड कर दीजिएगा तो वो हम पढ़ा करेंगे। हाँ मैं पीयूष जी को मैसेज कर दूंगा, वे आप लोगों से शेयर कर देंगे। हेलो सर नमस्ते, मेरा नाम सर्वेश है। ओके बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है जो टेस्ट सीरीज हम सॉल्व करते हैं उसको सॉल्व करने से ज्यादा उसका जो समरी होता है सर उसको पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो टेस्ट सीरीज का समरी कब से आने लग गया? नहीं सर टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन का सॉल्व होता है सर, मतलब हाँ उनके आंसर होते हैं, समरी नहीं होती आंसर सर, तो वो सर पढ़ने में बहुत ज्यादा समय लगता है, तो उसको मैक्सिमम आउटपुट कैसे करें और उसका समय कैसे रिड्यूस करें, क्योंकि 2 घंटे तो पढ़ने में लगाते हैं और उससे ज्यादा समय लग जाता है उसको पढ़ने में। हाँ उसका ये सोल्यूशन है कि आप है ना टेस्ट पेपर को 4 पार्ट में डिवाइड करोगे, कॉन्फिडेंट डाउट देन गैस और डोंट नो क्रॉस मार्क, तो जो कॉन्फिडेंट वाले जितने भी आपके ठीक है ना उनको आप हटा दो, पढ़ो ही मत उनके आंसर को, तो वहां पर टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाएगा आपका। देन डाउट वालों में भी है ना जो जिस पॉइंट में डाउट आया सो वे पॉइंट पढ़ लो, वे पता लग जाता है कि मुझे बी ऑप्शन में डाउट था, ए ऑप्शन में था या सी में था, तो वहां पर टाइम ऐसे आप सेव कर लोगे इजीली। हेलो सर। हाँ बोलिए सर्वे जी, डाउट क्लियर हो गया या और कोई डाउट है आप पूछ लीजिए, पहले एक के डाउट क्लियर होने दीजिए। सर दूसरा डाउट यह है कि जो करंट अफेयर है जो जैसे कि अभी फरवरी तक का तो पीटी 365 आ चुकी है, तो क्या हम उसी को पढ़ लें या फिर हम मंथली वाइज मैगजीन उठाएं और उसके हिसाब से तैयारी करें? देखो अगर एग्जाम कौन सा अटेम्प्ट दे रहे हो आप, ये वाला या नेक्स्ट ईयर वाला? ये वाला दे रहे हैं सर, वैसे तो मैंने मंथली मैगजीन आपने पढ़ा है? हाँ जी पढ़े, तो मंथली मैगजीन की तरफ जाइए, पीटी 365 या जो ये क्विक रिवीजन नोट होते हैं कुछ नहीं आता लेकिन मन को तसल्ली हो जाती है कि ऑल इज गुड। ओके सर एक डॉक्टर सर। हाँ बोलिए सर, जो रिवीजन का टाइमिंग होता है वो कितने टाइम बाद, मैंने एक बुक कंप्लीट कर ली है तो उसकी जो टाइमिंग रिवीजन का होगा वो कितना टाइम बाद करना? देखो जब आप फर्स्ट रिवीजन, जैसे मैं लक्ष्मीकांति ले लेता हूँ पॉलिटी का, फर्स्ट रीडिंग आपको है ना अप्रोक्सीमेटली 20 डेज लगते हैं, लेकिन जब आप रिवीजन करते हो सेकंड टाइम तो वे ना 20 डे से रिड्यूस होकर है ना 15 दिन पर आ जाता है, थर्ड रिवीजन 8-9 दिन लगेगा, फोर्थ रिवीजन में आपको है ना 5 दिन लगेंगे, जब आप 6th रिवीजन पर आओगे ना तो आप देखोगे कि 3 दिन में ना पूरा लक्ष्मीकांत कंप्लीट, तो ये ऐसा होता है। और साइड बाय साइड काम करना कि थर्ड रिवीजन आप करो ना तो एक शॉर्ट नोट्स बना लेना उसके साइड में, जो फैक्चुअल डाटा है जो आपको बार बार याद करना पड़ रहा है आप भूल जा रहे हो, उससे क्या हो गया कि लास्ट टर्म जाओगे ना एग्जाम देने से वे आपका 1 या 2 घंटे में पूरा लक्ष्मीकांत कंप्लीट हो जाएगा। जैसे सर इकोनॉमिक्स के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी? श्रीराम आईएएस अच्छा है, रमेश सिंह का भी बुक अच्छा है, लेकिन मोटी बुक है कौन पढ़े, श्रीराम आईएएस ने कवर अप किया हुआ है, फिर एक मरुनाल पर है ना यही इकोनॉमिक सर्वे के साथ में ना बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो है मरुनाल सर के, वे अच्छे हैं, तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो जाते हैं।
एक मैम की आवाज आ रही है, जो भी है मैम आप अपनी पूछ सकते हैं क्वेरी। यस सर। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, कह रहे हैं हमारा बैकग्राउंड साइंस से है, तो हमने अभी तक ऑप्शनल के लिए फिजिक्स चूज किया था, बट हम मैक्सिमम लोगों से बात करते हैं तो वो कहता है कि हमें ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट चूज करने चाहिए, क्या आप हमें इसके लिए गाइड कर सकते हैं? हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि साइंस सब्जेक्ट ह्यूमैनिटी, आपके ना इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट आपको अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसके लिए आप ये कीजिए कि लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ना, लास्ट ईयर जो भी फिजिक्स और ह्यूमैनिटी का कोई भी एक उठा के देख लीजिए। आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा कि आपको कौन से के लिए जाना है। ओके सर, थैंक यू। सर कैन आई स्पीक सर? अरुण जी। हां अरुण जी, बोल रहे हैं। सर गुड इवनिंग सर। हां गुड इवनिंग सर। आई हैव डाउट सर, आई एम गिविंग प्रीलिम्स दिस टाइम सर। लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन सर, मोर स्ट्रेस्ड इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स। सो कैन वेयर कैन आई गेट द मटेरियल एंड एक्सेस टू दैट सर? लाइक questions will be very tough and more questions will be asked in science and technology part in prelims, but you have cleared IFS now, sir. Like in prelims IFS cutoff will be very high, like it will be more like 120, more than civil service exam. So I want to know where to stress science and technology more and how to get out of it, sir. साइंस के लिए बताया कि यही जो कंसाइज नो ग्रेटर या बैंकर अड्डा में मतलब 70-80 का है, तो साइंस वहां से हो जाता है। रहा टेक्नोलॉजी पोर्शन के लिए विजन का मैगजीन आता है, यही PT 365 के लिए, मतलब अच्छा है, मतलब एक छोटी सी बुक में ना सब कुछ कवरअप हो जाएगा आपका, तो टेक्नोलॉजी पार्ट वहां से कवरअप हो जाएगा। वरना हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके एक पेज आता है, मे बी ऑन संडे और सैटरडे एक दिन आता है, तो वहां से भी हो जाता है, लेकिन इतना क्यों जाना है? अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा, इसका मतलब है कि वे किसी से क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो बेटर है कि उस क्वेश्चन को छोड़ दो। मतलब उन दो क्वेश्चन के लिए अगर मैं 2 महीने बर्बाद कर दूं तो क्या फायदा होगा? जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया, देन मॉडर्न पॉलिटी, तो वहां पर मैं ज्यादा टाइम डिवोट करूंगा तो मेरा स्कोर ऑटोमेटिकली अच्छा जाएगा एंड करंट अफेयर, वजह साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। देन विवेक जी ये भी बहुत देर से। हेलो सर। हेलो, हाँ बोलिए सर। मेरा प्रश्न है कि मुझे मतलब 4-5 घंटे एक टाइम मिलता है पढ़ाई की तैयारी करने के लिए, तो किस तरह से तैयारी करें? जो है पहले आपने तैयारी की है क्या? जी सर। पहले आपने तैयारी की है क्या? नो सर, फर्स्ट टाइम मतलब स्टार्ट ही कर रहे हैं। फिर आप अपना टारगेट है ना ये मत रख कर है ना 2021 या 22 रखी है, तो सब कुछ आपको 22 ही है। हाँ तो फिर वही है, 3 घंटे में आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए, जितना हो रहा है उतना मतलब पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, तो 1 ईयर में जाकर आपको है ना कंप्लीट हो जाएगा बेसिक बुक, फिर सेकंड ईयर में आप स्टैंडर्ड बुक एंड उनका रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, तो हो जाएगा। अगर 2 साल का टारगेट है, अगर 1 साल का टारगेट लेकर चल रहे तो मुश्किल हो जाता है, नहीं होता 3-4 घंटे में। सर आंसर राइटिंग के लिए फिर कैसे करेंगे? आंसर राइटिंग के लिए तो आप सैटरडे एंड संडे आपका ऑफ होता होगा, तो उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। मीन्स हर हफ्ते ना टेस्ट, जब आपका एक बार बुक कंप्लीट हो जाए तो फिर टेस्ट देना शुरू कर दीजिए हर संडे को। जैसे पहले संडे को मैंने ऐसे का टेस्ट दे दिया, सेकंड संडे को मैंने एथिक्स का टेस्ट दिया, थर्ड को GS 1, 2, 3 ऐसे कर लीजिए तो हो जाएगा। यस सर, थैंक यू सर। और किसी के कोई डाउट्स? सबके डाउट्स क्लियर हैं आज की इस सेशन से? यस सर। सबके डाउट्स क्लियर हैं? बहुत ज्यादा लंबा जी योगी जी, मैं बताना चाहूंगा, नहीं किया 1 मिनट 46 सेकंड 2 घंटों का सेशन, ये पहला होगा जिसको बिना सब्सक्राइब्ड वर्जन के जूम ने दिया है, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है, बच्चों के थैंक्स आने शुरू हो गए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को बंद करें या किसी के डाउट्स हैं तो वो प्लीज डाउट्स ले लीजिए, क्योंकि सेशन अब योगी कुमार जी का अभी भी हैंड रेज है। अरुण जिसके जिसको डाउट हो वो हैंड रेज कर दे। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। मैं सर फारून सर, लाइक आई वाज आस्किंग अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर, आई गॉट माय डाउट हियर सर। आई गो विद इट, आई डोंट गो विद 360 पे एंड अरुण जी योर वॉइस इज नॉट क्लियर, प्लीज ट्राई टू हैव इट क्लियर फर्स्ट। यस सर। एम आई ऑडिबल सर? या हां बोलिए सर, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है सर इधर। जी बताइए, क्वेश्चन पूछिए। नहीं हो रहा है तो आप टेक्स्ट में जो है चैट में पूछ सकते हैं, मैं बोल दूंगा क्वेश्चन या वो खुद देख लेंगे। ओके सर, ओके सर। या ओके। एंड अजय जी का क्या कोई डाउट था क्या? हेलो सर। हाँ जी जी बोलिए।
हाँ बोलिए सर, आई हैव वन क्वेरी रिलेटेड टू करंट अफेयर्स. जो आपने बताया करंट अफेयर्स का, जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग्स और मंथली मैगजीन्स, वो इनफ है. बट अगर आप लास्ट 5-10 सालों के पैटर्न का क्वेश्चन का पैटर्न देखोगे ना, तो उसका पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है. जो क्वेश्चन एग्जाम्स में आया है और जो न्यूज़पेपर से या जो मंथली मैगजीन से है, अगर आप उसका उसमें देखोगे कि वो इस टाइप से मतलब उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो वो बिल्कुल डिफरेंट है. तो उस क्वेश्चन को अप्रोच किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन है वो चारों ऑप्टिमिस्टिक रहता है, तो उसमें से ऑप्टिमिस्टिक आंसर चूज करना है. देखिए तो एक तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो न्यूज़पेपर से आउट हो, सब क्वेश्चन ना न्यूज़पेपर में कवर अप हो जाता है. बट वो आंसर पिक करने के लिए वो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं वो सारे रिलेटेड होते हैं और यूपीएससी ऑलवेज पूछता है कि कौन सा रॉन्ग है उनमें से. ओके, इसके लिए आप ना टेस्ट लगाओगे ना, जब आप टेस्ट लगाओगे 80-90, उसके बाद में ये क्वेश्चन का सवाल आपको ना अपने आप मिल जाएगा कि लॉजिक कौन सा सही है कौन सा नहीं. आपका जो लॉजिकल गैस होता है वे इंट्यूशन जिसको कहते हैं वे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उस पॉइंट पर, लेकिन उससे पहले आपको 80 टेस्ट लगाने पड़ेंगे. ओके सर, तो टेस्ट इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर दैट. हां, टेस्ट इज द ओनली सॉल्यूशन. वे कोई है ना शुरू से नहीं याद करता, और इवन कोई न्यूज़पेपर भी इतना क्वेश्चन नहीं पढ़ता. मैं लोग 1 घंटे में या 2 घंटे में न्यूज़पेपर कंप्लीट कर देते हैं, उसका एडिटोरियल पोर्शन इतना टाइम ले लेते हैं. वही चीज सर, सेम क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो ऐसे लगता है कि पढ़ा हुआ तो है, बट इसमें से मतलब आंसर चूज करते टाइम वो फिर 50-50 वाला मामला है. भाई रिवीजन का कमी है वहां पर, इसलिए ऐसा होता है. हम लोग पढ़े तो लेते हैं लेकिन रिवाइज नहीं करते, तो फिर वे ऐसे लगता है कि या मैंने कहीं पर देखा था, हाँ ऐसा मैंने देखा था. जब आप रिवाइज करोगे तो याद रहेगा. अरुण कुमार जी का क्वेश्चन है सर, आफ्टर रीडिंग स्टैटिक एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी फ्रॉम शंकर आईएएस, हाउ टू गो विद करंट अफेयर्स सर. ये एनवायरनमेंट में पूछ रहे या फिर जनरल करंट अफेयर का? एनवायरनमेंट स्पेशली एनवायरनमेंट स्पेसिफिक. एनवायरनमेंट में जो करंट अफेयर पोर्शन होता है वे ज्यादा किसी है नया बर्ड या फिर नई एनिमल, कोई ऐसी स्पीशीज हमें मिली है तो उनका एंडेमिक पूछ लेंगे ये लोग, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल इंपोर्टेंट का या नेशनल इंपोर्टेंट का तो उसने वर्क किया या अवार्ड टाइप का, या फिर रिसेंट इनिशिएटिव क्या क्या ले रहे हैं एनवायरनमेंट में, इतना है. ज्यादा डीप में ये लोग नहीं जाते हैं एनवायरनमेंट में, तो वही है करंट अफेयर के लिए. आप है ना विजन का मंथली मैगजीन कर रहे हो तो उनको एनवायरनमेंट वाले पेज को एक साथ हटाकर है ना स्टेपल कर लीजिए, सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहां पर है ना आपका मंथली मैगजीन में डिटेलिंग होता है. जब आप PT365 में जाओगे तो वहां पर डिटेलिंग नहीं होता, वहां पर आपको ना शॉर्ट समरी बताई जाती है. एक मैंने मैगजीन बनाया इनका विजन वालों का, तो वहां पर है ना बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट अलग हो जाते हैं. मंथली मैगजीन के लिए आपको डिटेल फाइंड आउट करना पड़ता है, जबकि PT365 के लिए आपको है ना एक समरी टाइप का बनाना पड़ता है कि 2-3 लाइन में ना सब कुछ कंप्लीट हो जाए. तो वही है मंथली का मैगजीन का एनवायरनमेंट का पोर्शन है ना, वे पेजेस अलग करके एक साथ स्टेप करोगे ना तो वहां से करंट अफेयर हो जाएगा आप लोगों का. SBJM करके तो आपको थोड़ा बहुत एनर्जी मिल जाता है. देन आप अप्रोक्सीमेटली 6 PM में ना यू कैन गो फॉर रनिंग, मीन 10 मिनट लगता है रनिंग करने में, अबाउट 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर. आप देखोगे कि आपका बहुत ज्यादा स्ट्रेस है ना रिलीव हो जाएगा इफ यू गो फॉर रनिंग और जॉगिंग, और देन इन बिटवीन यू कैन टेक ए नैप ऑफ 5 मिनट. जैसे आप कंटिन्यू 1 आवर पढ़ रहे हो तो 1 आवर के बाद में या 2 आवर के बाद में यू कैन हैव ए नैप ऑफ 5 मिनट, थोड़ा रेस्ट दे दिया आइज को, देन यू सी दैट आप वापस से रिजुविनेट हो जाते हो. तो बेस्ट तरीका है कंटिन्यूटी मेंटेन करने का एंड स्टडी फॉर लॉन्ग टाइम 15-16 आवर. फिर बीच में टी कॉफी और कुछ स्नैक्स या फ्रूट्स ले लिया तो उससे भी आप रिज्यूमिनेट हो जाते हो. आई हैव वन मोर डाउट. या हां बोलिए. सर, आई एम नाउ डूइंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स, कैन आई मेक इट एन एडवांटेज सिचुएशन टू, बिकॉज़ आई लाइक टू चूज इकोनॉमिक्स एज वन ऑफ माय ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एंड इज इट, आई एम स्टडीइंग इकोनॉमिक्स एंड आई टिल नाउ आई हैड नो मच प्रिपरेशन स्टाइल एंड अदर थिंग्स, सो बट रिसेंटली आई स्टार्टेड टू रीड एडिटोरियल पेजेस एंड अदर थिंग्स एंड आई फेल्ट दैट द इट इज कंफर्टेबल विद मी, इवन द सम रिफॉर्म्स एंड अदर थिंग्स वर कंफर्टेबल विद मी. सो इफ यू आर कंफर्टेबल ना देन गो फॉर इट, व्हाई टू लिसन अदर. They okay, don't sir. know you, your mindset. They are for there to tell you the general thing that is common to all people. Yogesh, okay, sir.
ये स्टडीइंग इकोनॉमिक्स कैन वी यूज इट इन प्रीलिम्स या यू कैन यूज इकोनॉमिक के क्वेश्चन आते हैं 10 टू 15 अप्रोक्स तो बाय द प्रूफ मिलते ही मिलते हैं ओके हिमयुंग हां हिमयुंग प्लीज आस्क योर क्वेश्चन ओके सर आई अंडरस्टैंड द कांसेप्ट करेक्टली एंड थैंक यू फॉर योर वैल्युएबल इंफॉर्मेशन सर ओके एस एच बी एन वाई ई डी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन यू आर रेजिंग हैंड कंटीन्यूअसली प्लीज आस्क I am asking you to unmute. Please ask. Otherwise, we will continue the session and wind up the session. Any more queries? किसी के और questions हैं तो पूछ लीजिए. Otherwise, we are going to wind up the session now. किसी की कोई query है तो unmute कर लीजिए. सभी लोग unmute कर लीजिए. आप सभी unmute कर सकते हैं. और ये बताइए कि आज का session कैसा रहा आप लोगों के लिए? योगेश जी से आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, thank you बोलना चाहते हैं तो योगेश से. Current affair Vision IAS monthly magazine are not enough. आपको newspaper न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा तो बाकी किसी की कोई क्वेरीज है तो पूछ सकता है अदरवाइज वी आर गोइंग टू वाइंड अप द सेशन सर कैन आई टेल अ फीडबैक टू हिम या सर आई एम फ्रॉम केरला एंड आई हैड ओनली 1 ईयर व्हेन आई वाज इन 9th क्लास आई स्पेंड 1 ईयर इन मध्य प्रदेश सो आई क्या आई एम एबल टू understand what you are telling I am not at all fluent with hindi but thank you with the right now I understood so many things from you thank you sir thanks actually many people are from the north india so they asked me to use hindi language okay it's not problem sir I really like hindi and because of that I was from Navodaya and I went to Madhya Pradesh only because to study hindi so guys session ko wind up karne ka samay lagbhag aa chuka hai तो अगर किसी के कोई डाउट्स हो और आप सब अनम्यूट कर लीजिए खुद को बिकॉज मैं चाहूंगा कि आप लोग जो आपको सेशन के रिगार्डिंग आपकी क्या हेल्प रही वो कैसा रहा आपका सेशन ये सब आप लोग जो है शेयर करें हाय सर दिस इज प्रीति एंड योगेश सर थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम और यही बात ये क्वेश्चन आंसर करने से सबसे बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है जो चीजें मुझे डाउट थी हाँ मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं किया है बट मेरे सारे क्वेश्चन ही सारे स्टूडेंट्स में थे और मैं बहुत अच्छे से सुन रही थी और समझ रही थी मेरे सारे डाउट्स क्लियर है एंड थैंक यू सर आपका भी या दिस सेशन ये इसीलिए रखा था कि जो डाउट होते हैं ना सबका कॉमन ही होता है नहीं योगी जी मैंने एक कोट नहीं पढ़ा था इफ यू वांट टू बी अ गुड ओरेटर यू हैव टू बिकम अ गुड लिसनर तो यहाँ पे वो बात जो प्रीति सिन्हा जी बोली है वो बहुत अच्छे से साबित हुई है कि उन्होंने सबको सुना है और सुनना मतलब ग्रहण करना सो ही मतलब उन्होंने रेंसेक किया जैसे सब चीजों को सुन सुन के उन्होंने सबकी क्वेरीज अल्टीमेटली वही थी और क्वेरीज उनकी मुझे लगता है आंसर हो गई होंगी तो और सभी लोग अनम्यूट कर लीजिए खुद को और अपना फीडबैक शेयर कर दीजिए प्लीज क्योंकि इट मोटिवेट्स अस बाकी लोग अनम्यूट कर लीजिए सभी तो अब सेशन को एंड करते हैं कुछ मोटिवेशनल चीजों के साथ तो वो कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा चलकर समंदर भी आएगा थक हार कर ना बैठे मंजिल फिर मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा सो मैं आपको एंड में एक स्क्रीन पे मैं शेयर कर दे रहा हूँ देखिए तो ये मुझे लगता है कश्ती नहीं बदली दरिया भी नहीं बदला ये मेरे लैपटॉप का वॉलपेपर भी है और मीन से मेरे रूम पे भी लगा हुआ है तो और म्यूट कर दीजिए हाँ मैंने म्यूट कर दिया है तो सबको मुझे लगता है कि ये चीजें रखनी चाहिए एक मोटिवेशन फैक्टर अपने लिए रखिए क्योंकि पढ़ना सबको है तो आप ये देखिए कि पढ़ने की वजह मत ढूंढिए पढ़ने की वजह जब आप ढूंढने लगेंगे चीजों में तो पढ़ाई शायद नहीं होगी बट अगर आप जो है यूपीएससी को वजह मानकर इसको अंतिम मंजिल मानकर पढ़ेंगे तो शायद आई थिंक दैट विल बी मोर मतलब ये आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी तो यही कहूंगा और इसके साथ जो है सेशन को वाइंड अप करने की योगेश जी से मैं परमिशन चाहूंगा और अगर कोई अनम्यूट करना चाहता है कोई कुछ बोलना चाहता है तो वो प्लीज अनम्यूट करके खुद को बोल सकता है मैं पूरी परमिशन देता हूं ठीक है पीसी जी फिर वाइंड अप करते हैं हम लोग सेशन अपना तो सेशन को आप वाइंड अप करते हैं बहुत से लोगों के थैंक्स मैसेज आ रहे हैं मैं चैट बॉक्स में पढ़ रहा हूँ तो आप सेशन को बंद करते हैं और अगले सेशन में मिलेंगे ऐसे ही मतलब योगेश जी के जैसे धुरंधर कला रहे हैं सुदर्शन लोधा जी योगेश जी के बहुत अच्छे मित्र हैं और वो बताएंगे कि प्रीलिम्स के प्रायोरिटी एरिया क्या रहने चाहिए और मतलब क्या क्या चीजें क्योंकि सर ने भी बहुत सारे एग्जाम दिए और लगातार 5 बार मेंस इंटरव्यू और मैं बोल सकता हूँ कि वो इतना तो ऐसे बंदे जो प्रीलिम्स के टॉपर बोल सकता हूँ मैं 155 प्लस उन्होंने स्कोर करते रहे हैं हर प्रीलिम्स में तो कल के सेशन में मिलते हैं और पीएसजी सुदर्शन लोधा जी का ऐसा है कि उन्होंने जो आंसर मार्क कर दिया ना वे गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि वे 70 क्वेश्चन करके आते हैं ना यूपीएससी में 69 क्वेश्चन उनके करेक्ट होते हैं
तो वही बोल रहा हूँ कि जो है चीजें जो है ये बच्चों को क्लियर हो जाएं। और सुदर्शन लोधा जी जैसे सर, मतलब मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ अपने को कि मैं आप जैसे लोगों से जुड़ा हुआ हूँ जो कि समाज के लिए कुछ ना कुछ देने की हमेशा सोचते रहते हैं। तो जाते जाते यही कहूंगा, रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थकार कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा, मंजिल पाने का मजा भी आएगा। तो आज का सेशन यही वाइंड अप करते हैं, धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए, धन्यवाद योगेश गर्ग जी आपने इतना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया, और सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, और सभी मेंटर्स का जो हमें लगातार टाइम दे रहे हैं। तो कल मिलते हैं इसी समय पे इसी टाइम पे एक नए सेशन के साथ, और योगी जी से मांगा था 20 मिनट का 40 मिनट का समय और हमने ले लिया 2 घंटे का समय, तो उसके लिए सॉरी है, बट बच्चों के डाउट्स थे जो कि क्लियर होने चाहिए थे, तो वो क्लियर डाउट हो जाए वही मेन इशू वही था, डाउट क्लियर हो जाए ना अच्छा है, टाइम तो ऐसे ही लगता रहता है। तो वही है कि कश्ती भी नहीं बदलनी है और दरिया भी नहीं बदलना है, और एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा, हमसे जितना होगा हम करेंगे, बाकी लड़ना तो खुद ही है, चलना खुद ही है, बस राह दिखाने की बात है, राह हम दिखाने के लिए तैयार है, योगेश गर्ग जी जैसे लोग हैं, आगे भी जरूरत पड़ेगी योगेश सर का हम सेशन जरूर रखेंगे, और मैं आशा करता हूँ योगेश जी बिल्कुल समय देंगे हम लोगों को। हाँ जरूर जरूर, तो आगे भी समय मिलेगा तो बिल्कुल हम लोग सेशन को रखेंगे, कभी अगर बीच में अगर डाउट की जरूरत पड़ती है, कोई मोटिवेशन फैक्टर की जरूरत पड़ती है, तो हम सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के लिए सेशन यही एंड करते हैं, तो आज का सेशन अब एंड करते हैं, धन्यवाद सभी लोगों का ज्वाइन करने के लिए, सभी के डाउट्स मुझे लगता है कि क्वेरी आंसर हुई होंगी, जिनकी नहीं हुई होंगी तो कल। योगेश जी कोई कुछ कहना चाहता है? थैंक यू, मुझे लगता है सबके मन में, सबका मन में अब एक ही चीज होगी कि थैंक यू बोला जाए, तो हम जानते हैं कि आप लोग थैंक यू कहना चाह रहे हैं। तो अब हम सेशन को अब वाइंड अप करते हैं, और चीजों के लिए कल मिलते हैं आपके साथ इसी तरीके के एक मोटिवेशनल और एक अच्छे सेशन के साथ। तो थैंक यू वेरी मच आज के लिए जुड़ने के लिए।